हेलो 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 ब्रीमन नमस्कार वेलकम टू लेट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं आज विलंब से और विलम्ब के लिए माफी चाहूंगा आज ऐसा हुआ कि काम करने से पहले ही सो गया मैं और तगड़ी वाली नींद आ गई और नींद खुली मेरी साढ़े पाँच बजे के आसपास और साढ़े बजे के बाद से अब लगा हुआ हूँ तो एक घंटा डेढ़ घंटा तो लगता ही लगता है फाइनल रीडिंग देने में और चीजें जो सेट हुई उसको चेक करने में तो इसी वजह से पता नहीं कैसे सो गया मैं और मैं उठा साढ़े पांच या पौने छः के आसपास ऐसे ही ऐसे ही मैं उठा इसी वजह से ये विलम्ब हुआ और जिसकी सजा आप लोगों को भुगतनी पड़ी यानी लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं शुरू कर देते हैं टॉपिक आज काफी ज़्यादा हैं भी तो सबसे पहले यानी आज कोर यूपीएससी मेंटोरशिप में क्या क्या है राइज ऑफ़ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट आई टू यू टू क्वाड एंड मैनी मोर यानी आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन हमने पढ़ा है तो गुट निरपेक्षता के साथ आज हम क्या पढ़ेंगे यानी मल्टी अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट के साथ मल्टी अलाइनमेंट पहले हम किसी गुट में शामिल नहीं थे लेकिन अब हम सभी गुटों में शामिल हैं ये हमारी विदेश नीति का एक नया अभिलक्षण है एक नया करेक्टरिस्टिक्स है इसलिए यह विषय इस बार 2023 के लिए, 24 के लिए मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस प्रकार से हम पहले यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सूत्रधार थे शीत युद्ध के काल में आज हमारी विदेश नीति मुड़ चुकी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से आप देख सकते हैं मल्टी अलाइनमेंट की तरफ तो यह एक बहुत अच्छा बड़ा शिफ्ट है भारत की विदेश नीति में जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाना चाहिए तो यह आप आपके साथ करेंगे आज जिसमें मेरी तरफ से कुछ इनोवेशन हैं इसके अलावा इनोवेशन इज की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर आज हम ग्रामीण उद्यमशीलता पर एक एडिटोरियल करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम किस प्रकार से उद्यम खड़ा कर सकें उद्यमियों को खड़ा कर सकें और वह होगा कैसे तो इनोवेशन के द्वारा ही होगा तो हम यह भी पढ़ेंगे रूरल आंतरप्रनोरशिप अगर आपको डेवलप करनी है तो यह नवाचार के द्वारा ही होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो यह नवाचार ना रोजगार ना केवल रोजगार प्रदान करेगा उसके साथ साथ जी को भी बढ़ाएगा तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज यानी देख सकते हैं कितने एडिटोरियल्स हैं आपके सामने अच्छे खासे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ये छह एडिटोरियल हो गए जिसे हमें कंप्लीट करना है बिजनेस लाइन का पहला एडिटोरियल है मल्टी अलाइनमेंट के बारे में ठीक है ना इंडियाज़ न्यू मल्टी अलाइनमेंट यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ साथ मल्टी अलाइन मूवमेंट ये हम देखेंगे इसके अलावा रूरल आंतर प्रन्योरशिप के बीज बोए जाएं हम यह विषय पढ़ेंगे तो बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ये दूसरा वाला भी इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजल क्या किया है कि उसने कहा है कि चुनावी घोषणा पत्रों में जो राजनीतिक दल चुनावी वादे करते हैं अब उन चुनावी वादों को वो पूरा कैसे करेंगे इसका भी विवरण उन्हें देना होगा ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है उसके ऊपर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज साहित्य के लिए पढ़ने वाले हैं इसके अलावा ग्रैप जी आर ए पी ये दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए यह प्रणाली लागू हो चुकी है तो ग्रैप प्रणाली क्या है ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था ओपिक प्लस देशों ने यानी ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने क्या किया है यानी तेल के उत्पादन में कटौती कर दी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक है व्हाट इज़ नोपेक यानी नोपेक क्या है अमेरिका का एक बिल है अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ओपेक प्लस के देश जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर क्या ंकुश लगाएगा अमेरिका तो नोपेक और ओपेक यानी ओपेक प्लस के साथ नोपेक तो आइए देखते हैं ये सारे मुद्दे क्या क्या हैं उसके साथ ये पांच न्यूज हैं और आई क्यू आई पी रेवल्यूशन में ध्यान रखिएगा ये सब आपका आज स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे डीप कॉन्सेप्ट टॉक तो डीप टॉक में आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर चूँकि एक ए, एक एडिटोरियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है तो पहले इसको करेंगे तो चलिए देखते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में जिसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय यह है कि जो फ्रीबीज़ का मुद्दा इस समय गर्म है चारों तरफ जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है फ्रीबीज यानी मुफ्त जो विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के समय फ्रीबीज का वादा करते हैं इतनी बिजली मुफ्त इतना पानी मुफ्त इस प्रकार की जो मुफ्त 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 की संस्कृति है उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अपनी तरफ से एक व्यवस्था डेवलप कर दी है कि कोई भी राजनीतिक दल जब भी अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेंगे और उसमें जो भी वादे करेंगे तो वह उसके साथ यह भी बताएंगे कि इन वादों को पूरा करने के लिए वो कहाँ से वित्त ले करके आएंगे ठीक है तो इसी विषय पर चर्चा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एडिटोरियल में आलोचना की गई है कि निर्वाचन आयोग के पास यह शक्ति नहीं है कि वह इस प्रकार के डिसीजंस को आगे बढ़ाए यानी आलोचना की गई है अभी उसका अगला पक्ष भी आएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है वो क्या काम कर सकता है इसको सीखना बहुत आवश्यक है तो आपके सामने चुनाव आयोग के बारे में चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना चाहिए अब इसके बाद आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पंद्रह याद रखिएगा चुनावों से संबंधित है और यह भाग चुनाव से संबंधित सभी क्रियाविधियों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात भी करता है तो ये भाग याद रखिएगा भाग पंद्रह ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है यह देखिए कब हुई थी 25 जनवरी 26 जनवरी 25 जनवरी हुई थी इसको आप याद रखिएगा और संविधान में आर्टिकल 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है यह भी आपको ध्यान में रखना है जो चुनाव आयोग से संबंधित है इसको आप अगर डिटेल करना चाहें तो इस लेक्चर के बाद इसको यानी होमवर्क के रूप में आप डिटेल कर लीजिएगा कि तीन में क्या है और 325 में क्या 326 में क्या 327 में क्या 328 में क्या तीन में क्या एक बार आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा ठीक है संविधान के अनुच्छेद तीन में प्रावधान है कि संसद राज्य विधानसभाओं जरा ध्यान रखिएगा इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो भी अधीक्षण होगा निर्देशन होगा नियंत्रण होगा ये तीन वर्ड याद रखिएगा सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल याद रखिएगा ये कौन करेगा यह चुनाव आयोग करेगा यानी इन तीनों की शक्ति चुनाव आयोग की होगी तो यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ किसका किसका चुनाव कराने से संबंधित संस्था है जरा ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद तीन चौबीस चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण उसका निर्देशन और उसका नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है यानी चुनाव के संदर्भ में यह समझिए सुप्रीम संस्था है यह निकाय भारत में लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करती है तो ये फैक्ट आप सबको पता है इसमें कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है मूल रूप से यानी जब यह या निर्वाचन आयोग गठित हुआ था एक सदस्य था यानी इसमें एक सदस्य होता था परंतु 1989 के बाद इससे बहु सदस्यीय निकाय बना दिया गया यानी अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कुल तीन सदस्य यह हो गया है इसको भी आपको ध्यान में रखता है राष्ट्रपति यानी अब आता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है तो यह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनका कार्यकाल साल या वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए तब तक रहता है यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा इनको जो दर्जा स्टेटस प्राप्त होता है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त होता है एकदम से इसको याद कर लीजिएगा और जो उनको वेतन मिलता है और भत्ते मिलते हैं जो भी वेतन और भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है वही वेतन और भत्ता इन्हें भी मिलता है किसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मिलता है यह आप ध्यान कर लीजिएगा तो बस इतना ही इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे तो डीप आंसर ऑफ टॉक में आज इतना ही और क्लास आज सात बजे स्टार्ट हुई विलंब से और जो बच्चे बाद में बता दूं आज मैं सो गया था तो उसके लिए मैं क्योंकि बच्चे जब वेट करते हैं तो उसमें उनकी गलती होती नहीं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस प्रकार से सोना नहीं चाहिए ये मैं अपने लिए भी मैं, ये आप आप लोगों से सॉरी बोल करके मैं अपने लिए भी कमिटमेंट कर रहा हूं मैं सो गया दस मिनट के लिए मैंने सोचा पावर नैप लू <laughs> पाँच बजे के आसपास पता नहीं क्या हो गया मैं ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे मैं सोता नहीं लेकिन बैठे बैठे ही नींद आ गई तो यही है तो अब चलिए विज्ञापन स्टार्ट करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और वाई एन अकेडमी एनअकेडमी क्यों आपको एडमिशन लेना है क्योंकि देख सकते हैं टॉपर्स भी यहां से क्रिएट हो रहे हैं बहुत से एजुकेटर हैं और जबरदस्त मेहनत करके यहां पर पढ़ाई होती है प्रीलिम्स में इंटरव्यू सभी की और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने एजुकेटर को पहले सुने और उसके बाद एडमिशन लें ये यह सुविधा बहुत कम अवेलेबल है और मेरे साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो यह मेरा आई का इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस आपकी बड़ी मदद करेगा अनएकेडमिक का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं प्लस और आइकॉनिक यानी दो ऑप्शन आपके पास हैं आइकॉनिक में अन एकेडमिक की तरफ से आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है एसके लाइफ कोड यूज़ करके आप यानी यहां पर जीएस के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं इसके अलावा कॉम्बो ऑफर यानी ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए ले सकते हैं और केवल ऑप्शनल का भी एडमिशन आप ले सकते हैं और अगर आप इस समय एडमिशन लेते हैं तो 2024 25 का फाउंडेशन कोर्स मेरा स्टार्ट होने वाला है दस अक्टूबर से जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी से तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं यानी हिंदी माध्यम में रिजल्ट का सबसे अच्छा ऑप्शनल तो वो भी मैं अन पर पढ़ा रहा हूँ आप यहाँ पर एडमिशन ओपन है एडमिशन ले सकते हैं और भी बहुत कुछ सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं यू वाली चर्चा ये मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर आज सी सैट की क्लास की चर्चा हुई यानी हिस्ट्री की स्ट्रेटजी पॉल पॉलिटिक स्ट्रेटजी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी और सी सैट की स्ट्रेटजी विशेषकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये इतना हो चुका है कल हम ए की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले सोमवार से यानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जबरदस्त रूप से आप उस चैनल पर बने रहें ये प्रीलिम्स की गारंटी है याद रखिएगा यूपीएससी वाली चर्चा प्रीलिम्स की गारंटी है क्या है प्रीलिम्स की गारंटी ये ध्यान रखिएगा तो इसको आप जिनको भी प्रीलिम्स में डर लग रहा है वो उस चैनल पर आकर के खड़े हो जाएं और वहाँ पर कनेक्ट हो जाए इंडियाज न्यू मल्टी अलाइनमेंट भारत का नया बहुसंरेखण ये भारत का नया बहुसंरेखण क्या है यानी यहाँ ये यह कहा गया है इस पूरे एडिटोरियल को अगर मैं समराइज कर दूं जिससे आपको जो मूल बात यानी जो एकदम से मूल बात है वो पता लग जाए तो मूल बात यही कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या किया सृजन किया यानी शीत युद्ध के दौर में ना हम किसी एक गुट में गए ना हम अमेरिका के गुट में गए और ना ही हम रूस के नेतृत्व वाले यूएसएसआर गुट में गए और हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को उन्नीस सौ में जन्म दिया ठीक है विश्व के कई अन्य देशों और नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर के आज हम वहां से आगे बढ़ते हुए कहां पहुंच गए हैं वही यहां पर कहा गया मल्टी अलाइनमेंट यानी आज हम विभिन्न गुटों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हम क्या कर रहे हैं समझौते कर रहे हैं संधियां कर रहे हैं तो यह भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा रूपांतरण है एक बहुत बड़ा बदलाव है यानी भारत की विदेश नीति में यह एक छलांग है इसलिए मैंने कहा कि यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में ये टॉपिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के यानी एक बहुत बड़े क्या कह सकते हैं एक बहुत बड़े छलांग को प्रदर्शित करती है कि नैम से हम कहां पहुंच गए हैं मल्टी अलाइनमेंट पर तो ऐसे में यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति में आपने क्या प्रमुख बदलाव देखे हैं तो अब आप क्या लिखेंगे हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति में क्या प्रमुख बदलाव देखे हैं तो इस प्रश्न को नोट करिएगा इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम पूरा टॉपिक आगे लेकर के चलने वाले हैं कि क्या क्या बदलाव देखे गए हैं सूत्र यही है कि हम नैम से यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं थे लेकिन अब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यानी विभिन्न गुटों में शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है अब हमें किसी से आपत्ति नहीं है वो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे चाइना हो यानी हम संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं सक्रिय सदस्य हैं और उसको भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि चीन हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण नीति रखता है तो कहने का मेरा मतलब है कि यानी पहले हम गुटों में शामिल नहीं थे लेकिन अब वर्तमान में हम भारतीय राष्ट्रीय हितों के अनुरूप किसी भी गुट में किसी भी समूह में शामिल होने को तैयार हैं इम्पॉर्टेंस यही है कि हमारा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है भारत की विदेश नीति में हाल के वर्षों में यही सबसे बड़ा बदलाव आया है जो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने समय पर किसी भी प्रकार से गलत था नहीं वह अपने समय के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप था और आज मल्टी अलाइनमेंट यह अपने समय के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है आज हम एक ही साथ आई टू यू टू के माध्यम से यानी अमेरिका के साथ भी कनेक्टेड हैं और हम यानी पश्चिम एशिया के देशों या मध्य पूर्व के देशों के साथ भी कनेक्ट हैं तो यह भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तो काफी कुछ इसके अंतर्गत है तो चलिए शुरू करते हैं आई क्यू आई पी यहां पर जो प्रम्स और मेंस दोनों है वो भी पढ़ने वाले हैं तो जीएसटू भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध इसमें भी यह आई क्यू आई पी हो जाएगा भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव इसके साथ भी यह कनेक्ट हो जाएगा इसके अलावा द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार इन टॉपिक से भी यह कनेक्ट हो जाएगा ध्यान रखिएगा इनके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा कुछ क्वेश्चन जो आज एडिटोरियल में यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए आज पूछेगा चर्चा है तो जीएसटू आई आर में दो हजार बाईस में देखिए प्रश्न आया था आई टू यू टू भारत इसराइल संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन ग्रुपिंग वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा यही हाउ विल आई टू यू टू इंडिया इसराइल यूएन यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया इन ग्लोबल पॉलिटिक्स अब आप देखिए यही विषय आई टू यू टू भारत की स्थिति को वैश्विक राजनीति में किस प्रकार से मजबूत करेगा इसी को यहां पर बोला गया है बहुत बढ़िया से समझेगा मल्टी अलाइनमेंट यानी ये जो आई टू यू टू है और इसी प्रकार का जैसे क्वाड है हमारा ये सब क्या है मल्टी अलाइनमेंट बोला गया यानी इन्हीं को मल्टी अलाइनमेंट बोला गया है आई होप अब आप टॉपिक को और अच्छे से समझ गए होंगे आगे यानी आई टू यू टू क्वाड ये सब क्या है मल्टी अलाइनमेंट है और हम हमारे राष्ट्रहितों को पूरा कर रहे हैं तो यही है यानी तो स्वाभाविक है आई टू यू टू क्या करेगा वैश्विक राजनीति वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को प्रभावित करेगा कैसे करेगा अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मॉडल क्वेश्चन आपके सामने है है देख सकते हैं क्या इंडिया हैज बीन क्रूशियल अप इन आवर फॉरेन पॉलिसी कमेंट करिए भारत लगातार किंतु धीरे धीरे लगातार जरा शब्द को पकड़िएगा भारत लगातार किंतु धीरे धीरे गुट निरपेक्ष से संरेखण की ओर विकसित हुआ है और यह हमारी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है क्या यानी बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट टिप्पणी करिए कमेंट करिए कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं जरा समझिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है लगातार किंतु धीरे धीरे गुट निरपेक्ष से बहुसंरेंखण की ओर क्या हुआ है विकसित हुआ इसका मतलब क्या है यानी गुट निरपेक्षता आपको पता है यहां से बहुसंरखण यानी हमने 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया ठीक है लेकिन धीरे धीरे हमने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप गुट निरपेक्ष होते हुए भी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हमने क्या किया है यानी विभिन्न देशों के साथ राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए समझौते किए हैं जैसे 19 इकहत्तर में 1971 में हमने रूस के साथ समझौता किया यानी उस समय के यूएसएसआर के साथ समझौता किया शाश्वत मैत्री संधि का क्योंकि बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना खड़े हो गए थे ऐसे में भारत के पास कोई अवसर नहीं था कि वह रूस के अलावा यानी यूएसएसआर के अलावा कोई और विकल्प चुने तो ऐसे में भारत ने उस समय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर के साथ शाश्वत मैत्री की संधि की और उन्नीस में इस संधि के द्वारा उसने यानी अमेरिका चीन और पाकिस्तान के बनने वाले दबाव का मुकाबला किया और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया साधित किया तो देख सकते हैं यानी यहाँ यही कहा गया कि धीरे धीरे लगातार किंतु धीरे धीरे पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा लगातार किंतु धीरे धीरे तो ऐसा नहीं है कि जब से बना है तभी से हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या कर रहे हैं यानी इसमें परिवर्तन ला रहे हैं वर्तमान में यह मल्ट कहां गया है मल्टी अलाइनमेंट की तरफ यानी जहां भी जिस भी क्षेत्र में हमें राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं वहां पर हम समझौते कर रहे हैं हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं हम यूएस के साथ भी कर रहे हैं हम इसराइल के साथ भी कर रहे हैं हम अन्य पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी जैसे संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी कर रहे हैं अन्य देशों के साथ भी कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम चीन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं इसी को बोला गया है मल्टी अलाइनमेंट आई होप अब आप बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ गए समझ गए तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुद्दा ओपन हो गया है बड़ा टॉपिक है तो सारी बातें पहले अगर बता दी गई हैं तो चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी तो भारत की विदेश नीति में प्रगतिशील विकास प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शब्द को जरा पकड़िएगा क्या कहा गया प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या कहा गया प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी भारत की विदेश नीति में प्रगतिशील विकास यानी क्या प्रगतिशील विकास कैसे कैसे हुआ है तो सिंपल सी बात है 1950 के दशक में नई दिल्ली ने खुद को गुट निरपेक्ष घोषित कर दिया है याद रखिएगा ठीक है यानी हमने क्या किया गुट निरपेक्ष घोषित कर दिया है और उसके बाद से गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है ठीक है और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि यानी हमने कोई भी गुट स्वीकार नहीं किया ना यूएसएसआर का का ना ही यूएस का वही सारी बातें यहां पर कहेगी राइटर जो कह रहे हैं कि उन्नीस में हमने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया और हमने किसी भी गुट को स्वीकार नहीं किया अब थोड़ा सा नैम के बारे में यहां पर लिख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा प्रिलिम्स टेकवे के हिसाब से नैम 120 120 विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो प्रमुख शक्ति ब्लॉकों के साथ गुट निरपेक्षता के विचार में विश्वास रखता है यानी वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता उन्नीस थी याद रखिएगा इसकी स्थापना में बेल में बेलग्रेड जो आज के सर्बिया की राजधानी लेकिन उस समय युगिया का हिस्सा था तो उन्नीस में बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई किसके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा और युगस्लाबिया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटोस के द्वारा इन तीनों के द्वारा इसकी स्थापना हुई ध्यान रखिएगा और भी लोग इसमें शामिल थे लेकिन अब एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि जैसे नैम स्टूड एक्सपोज्ड एक्सपोज बड़ा अच्छा शब्द किया है एक्सपोड यानी जो नैम था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे ना अमेरिका में और ना ही रशिया के गुट में वो एक्सपोज हो गया उसका पर्दाफाश हो गया कब 1971 में जब बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारत ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन को अपना समर्थन दिया उस समय पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिला और चीन का ऐसी परिस्थिति में उन्नीस में भारत के पास सोवियत गुट में जाने का एकमात्र विकल्प बचा और भारत ने यूएसएसआर के साथ शाश्वत मैत्री संधि करी याद रखिएगा देख सकते मास्को के साथ भारत ने शांति मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए अब आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों किया पाकिस्तान और यूएसए के संबंधों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान उस उस समय समय यूएसए के समर्थन में था तो यानी जब आवश्यकता पड़ी तो हमने गुट निरपेक्ष नीति से क्या किया स्लाइटली मूव किया तो इसका मतलब है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी राष्ट्रीय हितों के लिए ही महत्वपूर्ण था पॉइंट को समझिएगा और आज जब हम गुट निरपेक्षता से आगे बढ़ते हुए विभिन्न गुटों के साथ समझौता कर रहे हैं वो भी राष्ट्रीय हितों के लिए ही है परंतु इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत गुट निरपेक्ष से आगे बढ़ करके यानी मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है ध्यान रखिएगा उन्नीस में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है अब इसके बाद से बहुत से नए नए समूह और गठबंधन बनते हैं और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उनका सदस्य बनता बहुत से ऐसे भी गुट बनते हैं जिनका भारत सदस्य नहीं बनता है क्योंकि उस वह भारत के हितों को पूरा नहीं करते थे जैसे आर आर सी ई पी जैसे भारत आसियान के साथ कनेक्टेड है लेकिन आसियान के सदस्य देशों के द्वारा शुरू किए गए आर सी ई पी यानी व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी समझौते का हिस्सा नहीं है तो आसियान के साथ हमारे अपने इंटरेस्ट हैं राष्ट्रीय हित साधित होते हैं इसलिए हम आसियान के साथ गहरे स्तर पर जुड़े हैं लेकिन हम आर का सदस्य नहीं है तो ध्यान रखिएगा यानी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हमारे देश की विदेश नीति संचालित होती रही है और गुट निरपेक्ष से हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ गए हैं बहुसंखण की तरफ बढ़ गए हैं और उसी को यहां पर समझाया गया है यही सारी बातें यहां पर की गई हैं याद रखेगा आज यानी राइटर यही कह रहे आज भारत एक ऐसी स्थिति में जहां हम सभी प्रमुख वैश्विक शक्ति केंद्रों के साथ अलग अलग तरीकों से भागीदार हैं यही सबसे बड़ी बात है यानी अगर कोई आपसे पूछे आज की भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है आज की भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है तो ये हमेशा याद रखिए इसको इसको रट लीजिएगा आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम जितने भी जितने भी ग्लोबल पावर सेंटर्स हैं जितने भी वैश्विक शक्ति केंद्र हैं उन सभी में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हम उनमें शामिल हैं यही बात यहां पर बताई गई है याद रखेगा इसी को कहा गया यह भारत का नया बहुसंरेखण है दिस इज इंडियाज न्यू मल्टी अलाइनमेंट एक बार मैं इसे और पढ़ूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें चूंकि ये अच्छा लिखा गया है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यानी से प्रश्न बनेगा टुडे इंडिया इज इन पोजीशन आज भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां वेर बी आर पार्टनर्स हम भागीदार हैं इन डिफरेंट बेस विद ऑल मेजर ग्लोबल सेंटर्स यानी आज विश्व के जितने भी शक्ति केंद्र हैं उनके साथ हम अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए जैसे हमारे राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता है हम उसी के अनुरूप इनके साथ जुड़े हुए हैं इनके साथ मिले हुए हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया यानी आज भारत रूस के साथ भी कनेक्टेड है भारत अमेरिका के साथ भी कनेक्टेड है भारत यूरोपियन यूनियन के साथ भी कनेक्टेड है भारत चीन के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कनेक्टेड है और आई टू यू टू के माध्यम से मध्य पूर्व के देश और अमेरिका के साथ भी अपने ढंग से कनेक्टेड है क्वाड के साथ आप देख सकते हैं अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कनेक्टेड है तो भारत ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अब अपनी विदेश नीति का बेहतर संचालन किया जिसकी ये सभी प्रमुख उदाहरण है याद रखेगा ठीक है आज यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है कि आज आर्थ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं विभिन्न राष्ट्रों के साथ सहयोग में क्या यानी आज अर्थशास्त्र और आर्थिक एकीकरण कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं विभिन्न देशों के साथ सहयोग में यानी अर्थशास्त्र आर्थ और आर्थिक एकीकरण तो इस पॉइंट को जरा बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में बहुत से कारक अपनी भूमिका निभाते हैं यानी विदेश नीति के निर्धारक बहुत से होते हैं जिनका नाम मैं जिक्र अभी नहीं करूंगा भौगोलिक कारण ठीक है जनसंख्या वाला कारण बहुत से कारण ठीक है ना लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारक इस समय जो स... एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति को वर्तमान में संचालित कर रहा है वह है अर्थव्यवस्था और आर्थिक एकीकरण आज किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को संचालित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व तो है यह इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ ले कि वर्तमान में वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विदेश नीति के निर्धारक कारकों में अर्थव्यवस्था और आर्थिक कारक केंद्रीय हैं टिप्पणी कीजिए या केंद्रीय हैं भारत के विशेष संदर्भ में टिप्पणी कीजिए तब तो आप देख सकते हैं यानी यह फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है आज के युग में यानी आज हम 2022 में जहां खड़े हैं वहां पर भारत की विदेश नीति का रुख क्या है अब वही सारी बात मल्टी अलाइनमेंट याद रखेगा बहुसंरेखण इस शब्द को एकदम अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट कैसे मल्टी अलाइनमेंट अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल से बताया गया है याद रखेगा यानी हम अमेरिका के साथ भी जुड़े हुए हैं जापान के साथ भी जुड़े हुए हैं चाइना के साथ भी जुड़े हुए हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और बताया गया है कि अगर आज हम देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है तो ऐसे में चीन को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति संचालित हो रही चीन को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति संचालित हो रही है क्योंकि चीन अपने आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर स्थलों पर भी कल भी मैंने पढ़ाया स्थलों पर भी और समुद्रों में भी क्षेत्रीय दावे करता चला जा रहा है जैसे हमने कल पढ़ा यानी वह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग मानता है दक्षिण चीन सागर पर पूरा अपना अधिकार जताता है पूर्वी चीन सागर के ऊपर उसने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बना रखे हैं कि यहां से कोई भी बायुयान अगर निकलेगा तो उसे चाइना से अनुमति लेनी पड़ेगी तो आप देख सकते हैं यह चीन की जो नीति है तो भारत उसको ध्यान में रख करके अपनी नीति को आगे बढ़ा रहा है और उस यहां पर उन्होंने यह भी कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीन के साथ हमारे सीधे सीधे टकराव हैं तनाव है लेकिन फिर भी विभिन्न मंचों पर हम चीन के साथ समान मुद्दों को लेकर के सकारात्मक बातचीत भी कर रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण पहलू है इसको कभी हमें भूलना नहीं है याद रखेगा यानी आज हिंदुस्तान सभी देशों के साथ संवाद के लिए अपने आप को रेडी कर चुका है अपने आप को तैयार कर चुका है यह आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो भारत प्रशांत क्षेत्र में अब आते हैं यानी कहां कहां पर भारत क्या क्या सहयोग के लिए गठबंधन बना रहा है तो इंडो पैसिफिक रीजन में चीनी शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत ने क्या किया क्वाड बनाया तो आप इसको याद रखिए क्वाड पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आया तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक समृद्ध खुला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से संचालित व्यवस्था चले इसके लिए क्वाड की स्थापना हुई क्वाड के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और अमेरिका ने इसको बनाया है और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में परस्पर सहयोग को विकसित किया जाएगा यही बात यहां पर बताया गया लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि क्वाड में इकोनॉमिक कॉपरेशन पर उतना फोकस नहीं किया गया इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना क्या किया गया क्वाड में इकोनॉमिक कॉपरेशन पर फोकस नहीं किया गया क्वाड की एक कमी है इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा ठीक है फिर इसके बाद आता है कि चलो भाई क्वाड में नहीं किया गया लेकिन आर्थिक सहयोग जो आज किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है भारत ने आर्थिक सहयोग के लिए क्या क्या समझौते किए हैं मैंने पहले ही बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें एक पॉइंट की वर्तमान में अर्थव्यवस्था और आर्थिक एकीकरण यानी विभिन्न राष्ट्रों के साथ आपका आर्थिक जुड़ाव राष्ट्रों की विदेश नीति को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है तो ऐसे में क्वाड की आर्थिक भूमिका कम है क्वाड की सामरिक भूमिका ज्यादा है ठीक है उसका उद्देश्य है सीधा सीधा जो दिखता है कि चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिसंतुलित करना वहां आर्थिक सहयोग कम है लेकिन क्या भारत आर्थिक सहयोग नहीं कर रहा है यस yes, भारत आर्थिक सहयोग पर भी बहुत सी पहल कर रहा है जैसे देख सकते हैं इंडिया ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अब यहीं से समझिएगा मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखण भारत की विदेश नीति में मल्टी अलाइनमेंट के एग्जाम्पल सही क्वाड भी एग्जाम्पल है और उसके साथ साथ यानी यह जो एग्जाम्पल आ रहे हैं जैसे आसियान के साथ हमने मुक्त व्यापार समझौता किया लेकिन 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 भारत सतर्क रहा है राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हमने आसियान के साथ एफ तो किया लेकिन जब आसियान और कुछ अन्य राष्ट्रों ने मिल करके क्या किया आर समझौता किया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप किया याद रखिएगा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ क्यों क्योंकि भारत के राष्ट्रीय हित कहीं ना कहीं आरसीपी के साथ साधित नहीं होते थे तो यह पॉइंट आप याद रखें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए कि भारत की विदेश नीति पॉइंट को समझिएगा भारत की विदेश नीति वर्तमान में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के यथार्थ से ज्यादा व्यापक ढंग से जुड़ी हुई है यानी नेशनल इंटरेस्ट के साथ हम ज्यादा जुड़े हुए हैं अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो नेशनल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं हमारा था तो हमने आसियान के साथ FTA किया लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट के साथ साधित नहीं हो रहा था इसलिए हम आसियान के सदस्य देशों के ही नेतृत्व में बने आर का सदस्य हिंदुस्तान नहीं बना जबकि आसियान के सदस्य राष्ट्र ऐसा चाहते थे तो यहां यानी ये देख सकते हैं आर का सदस्य बने आर में देख सकते हैं पंद्रह ईस्ट एशिया के देश और फिर कुछ पैसिफिक यानी प्रशांत देश शामिल हैं जिनमें आसियान के सदस्य और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और चीन भी शामिल हैं तो आर्थिक सहयोग पर हमने एफ किया आर नहीं किया आर क्यों नहीं किया मैंने बहुत काफ़ी डिस्कशन पीछे आप लोगों के साथ इस पर किया है दूसरा पॉइंट आता है हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में बनाए गए अमेरिका के नेतृत्व में बनाए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ठीक है ना में हम शामिल हुए यहां पर भी आप देख सकते हैं तेरह सदस्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में भारत शामिल हो गया याद रखिएगा जिसमें न्यूजीलैंड के अलावा क्वाड के सभी सदस्य हैं और आसियान के सदस्य भी शामिल हैं कुछ सदस्य तो आप देख सकते हैं यानी जैसी व्यवस्था वैसा ही भारत का रुख तो हम यहां पर भारत ने देखा कि जो है हमारा लाभ है तो भारत यहां पर इसका सदस्य बन गया हाला इसमें भी व्यापार वाले पार्ट पर भारत को लगा कि हम इसके चार स्तंभ हैं तो भारत व्यापार वाले स्तंभ में शामिल नहीं हुआ यह भी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था तो हम वही पढ़ रहे कि इस समय जो सबसे बड़ी चीज भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में निकल करके आ रही कि हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि वह जिस गंड जिस गठबंधन में जिस रूप में चाह रहा उसी रूप में शामिल हो रहा है और किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है यह भारत की अंतरराष्ट्रीय मजबूती को दिखाता है कि भारत अब पिछड़े राष्ट्रों का ही केवल लीडर नहीं है अपितु वह ग्लोबल लीडर के रूप में अब स्वीकृत हो रहा है यह बात भी यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा आप देख सकते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा हम यानी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापक संबंध बना रहे हैं यह भी एक महत्वपूर्ण है इसके अलावा अभी हमने मल्टी अलाइनमेंट किया है एक और यानी यह सब क्या है यह सब मल्टी अलाइनमेंट के एग्जाम्पल हैं और वो हमने किया है आई टू यू टू ये सब एडिटोरियल में लिखा हुआ है इंडिया इसराइल UAE और यूएस का यह एक समझौता है आप देख सकते हैं यह प्रश्न 2022 में पूछा भी गया है क्या प्रश्न पूछा गया एक बार आप पढ़ लीजिए आप देखिए एक ही पैराग्राफ में यह प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएगा आई टू यू टू समूहन ग्रुपिंग वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा 250 शब्दों में उत्तर दीजिए यानी आई टू यू टू भारत को किस प्रकार से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहयोग प्रदान करेगा तो कैसे करेगा करेगा तभी तो भारत ने इसकी सदस्यता स्वीकार की तो आइए देखें यहां पर लिखा हुआ है यह हमें पता चलेगा इसके उद्देश्य से जैसे ही हम आई टू यू टू का उद्देश्य पढ़ेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि यह आई टू यू टू वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार से रूपांतरित करेगा यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की राजनीति कैसे मजबूत हो जाएगी तो आइए देखें इसका उद्देश्य क्या है तब आप देख सकते हैं यानी आपसी हित ये चारों देश आपसी हित म्यूचुअल इंटरेस्ट के समान क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे इस मंच पर यानी चारों देश जो कहाँ के हैं देख सकते हैं इंडिया ठीक है इसराइल यूएई और यूएस यानी अमेरिका है पश्चिमी राष्ट्र हो गया भारत हो गया इजराइल और यूएई मध्य पूर्व यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र को ही अपने अंतर्गत शामिल करता है और सबसे बड़ी बात है इसके द्वारा क्या होगा याद रखेगा इसके द्वारा क्या क्या होगा यह कैसे इंडिया को तो आपसी हित के समान क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी इसके अंतर्गत याद रखेगा इसके अलावा यानी जो भी वाटर है एनर्जी है ट्रांसपोर्टेशन है स्पेस है हेल्थ है फूड सिक्योरिटी है यानी ये छह सहयोग के क्षेत्र हिंदी में जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में इन छह छे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा और क्या किया जाएगा सहयोग में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट भी होगा यानी अगर भारत में कोई फूड प्रोसेसिंग पार्क ओपन हो रहा है उसको इसराइल भी फंडिंग करेगा यूए भी फंडिंग करेगा अमेरिका भी फंडिंग करेगा तो भारत में इससे इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और इसके साथ साथ भारत वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा बनकर के वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित कर रहा है तो सिंपल सी बात है यानी यहां पर क्या किया जाएगा डिस्कस किया जाएगा कॉमन एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर यह किया जाएगा इसके अलावा आर्थिक भागीदारी यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत किया जाएगा कहां पर और ट्रेड में और निवेश में और इन छह एरिया पर सहयोग किया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर और सिग्निफिकेंस ऑफ आई टू यू टू इन इंडिया मल्टी अलाइनमेंट अब देखिए सबसे बड़ी बात भारत के बहुसर्वेक्षण में आई टू यू टू की क्या इंपॉर्टेंस है तो यहां पर यही बताया गया ये पहली बार है यानी ये भारत की विदेश नीति में पहली बार है जब भारत और अमेरिका ने जब भारत और अमेरिका ने यानी अन्य दो देश भी हैं लेकिन इंडिया और यूएस को यहाँ पर कोड किया गया है कि भारत और अमेरिका ने भागीदारी की है छह छे क्षेत्रों में सहयोग पर मेरे प्यारे बच्चों और दो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ तो बहुत अच्छा फैक्ट है जरा याद रखिएगा यहां पर क्या कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ आई टू यू टू इन इंडिया मल्टी भारत के संरेखण में आई टू यू टू किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्लोबल तो यहां पर यह कहा गया कि यह पहली बार है कि इन छह छे क्षेत्रों में यानी जल में ऊर्जा में परिवहन में अंतरिक्ष में स्वास्थ्य में और खाद्य सुरक्षा इन छह छे क्षेत्रों में यह पहली बार है कि भारत अमेरिका के साथ और दो अन्य देश इसराइल और यूएई के साथ कोई समझौता कर रहा है इन छह क्षेत्रों में विकास के लिए जिसका सीधा सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलने वाला है याद रखेगा जैसे फायदा क्या मिलने वाला एग्जाम्पल यहां आपके नीचे यहां आप देख सकते आई टू यू टू सम्मेलन जब हुआ तो यहां पर निर्णय लिया गया कि भारत में एक एक एकीकृत फूड पार्क विकसित किया जाएगा देख सकते ठीक है यानी क्या किया जाएगा डेवलप किया जाएगा इंटीग्रेटेड फूड पार्क पार्क्रॉस इंडिया यानी संपूर्ण हिंदुस्तान में क्या किया जाएगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और आप सोचिए कि फूड की कितनी जरूरत है अगर फूड पार्क बनते हैं तो ये एग्री वैल्यू चेन को बहुत मजबूत कर देंगे कृषि मूल्य श्रृंखला को बहुत मजबूत कर देंगे और फूड प्रोसेसिंग को यानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर देंगे जो जीडीपी को बढ़ाएगा उसके साथ साथ रोजगार को भी सृजित करेगा और एग्री वैल्यू चेन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया एकीकृत फूड पार्क को विकसित किया जाएगा और इसके अलावा हम जो जल संसाधन है आज आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में जल संकट की स्थिति जल तनाव वाटर स्ट्रेस कुछ भी कह लीजिए की स्थिति है तो जल संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट इसराइल के द्वारा किया जाता है तो इसराइल यानी भारत में जल संसाधनों का कैसे बेहतर उपयोग किया जाए उसकी तकनीक भी भारत को प्रदान करेगा तो आप देख सकते हैं यानी उदाहरण यही है कि भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो भारत इससे लाभ ही लाभ कमा रहा है याद रखेगा ठीक है और यहां पर यह कहा गया कि आज ये बहुत अच्छा पॉइंट है यानी एक निबंध आया था वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी ये देख सकते हैं आप यानी हम कहां तक तैयार हैं वैश्विक नेतृत्व करने के लिए 2006 में आया था अगर एक बार आप आप अनशॉल्ट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी या ग्लोबल ऑर्डर में भारत की स्थिति वर्तमान यानी मॉडल क्वेश्चन वर्तमान विश्व व्यवस्था में भारत आज कहां पर है भारत की स्थिति क्या है तो देख सकते हैं आज इंडिया ग्लोबल लीडर है अपने मल्टी अलाइनमेंट के माध्यम से यानी जहां पर जिस प्रकार से भारत को आवश्यक लगता है भारत वहां पर उस संगठन का उस गठबंधन का सदस्य बनता है गठबंधन का सदस्य बनने के बाद अगर उसे ये लगता है कि जो समझौते हो रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा है जो भारत के हितों के अनुकूल नहीं है तो भारत उस पॉइंट से पीछे हट जाता है और समझौते में उसे अन्य राष्ट्रों को मान्यता देनी ही पड़ती है वो चाहे आसियान के साथ हमारा एफ हो लेकिन आर में भारत का शामिल ना होना हो चाहे यानी अमेरिका के नेतृत्व में आर्थिक भागीदारी समझौता हो जिसमें ट्रेड वाले पॉइंट पर भारत का पीछे हटना हो या अन्य मुद्दे हो ध्यान रखिएगा तो आज इंडिया ग्लोबल लीडर है मल्टी अलाइनमेंट में तो हम कह सकते हैं कि भारत वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय समाज तैयार है याद रखेगा ठीक है ना एक दशक पहले बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया गया है आई टू यू टू की असली इंपॉर्टेंस यहां पर बताएगी एक दशक पहले यानी दस वर्ष पहले इस बात की कल्पना करना मुश्किल था कि एक ऐसा समझौता होगा आई टू यू टू के रूप में जिसमें भारत यूएई से फाइनेंस लेगा यानी संयुक्त अरब अमीरात से क्या लेगा निवेश प्राप्त करेगा जराइल से टेक्नोलॉजी का निवेश प्राप्त करेगा और अमेरिका भी उस इन सभी प्रोजेक्ट में जुड़ा रहेगा क्या यह कल्पना एक दशक पहले की जा सकती थी कि आई टू यू टू के नाम से हम कोई एक ऐसा समझौता करेंगे जिसमें यू से फाइनेंस मिलेगा इसराइल से टेक्नोलॉजी मिलेगी और अमेरिका इन सब में अपनी इन्वॉल्वमेंट या इन सब में अपना जुड़ाव रखेगा ऐसा नहीं था यह जो आई टू यू टू है आज भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है यह बात आप समझ सकते हैं तो ऐसे में एडिटोरियल राइटर ने कहा कि जहां जैसी स्थिति है भारत उसी प्रकार से समझौते कर रहा है और संगठनों का हिस्सा बन रहा है लेकिन एक जगह पर भारत को विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता क्या है एक जगह ऐसी है जहां पर भारत को विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है और वो क्या है यानी ईरान के साथ यानी भारत को ईरान के साथ बेहतर संबंध बनाने तब तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं बना सकता बना ले लेकिन यहां समस्या क्या आती है ईरान के ऊपर अमेरिका का प्रतिबंध यानी अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है एक जबकि भारत और ईरान परंपरागत मित्र रहे हैं ध्यान रखिएगा भारत और ईरान परंपरागत सांस्कृतिक संबंध हमारे बड़े मजबूत रहे आर्थिक संबंध भी हमारे बड़े मजबूत रहे और आज भी ईरान भारत के लिए सामरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी दोनों रूपों से स्टेट स्ट्रेटजिक रूप से और इकोनॉमिकली दोनों रूपों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन समस्या क्या है यानी अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाया गया प्रतिबंध तो एडिटोरियल राइटर ने कहा है कि आज भारत को अपने इस मल्टी अलाइन अलायन में यानी बहु संरेखण में एक काम और करना है ईरान को भी जोड़ना अब ईरान को आप कैसे जोड़ेंगे जबरदस्ती तो आप जोड़ नहीं सकते हर जगह अमेरिका के अगेंस्ट तो आप जा नहीं सकते तो ऐसे में सबसे पहले यहां बताया गया कि ईरान की हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंस क्या है वही सामरिक और आर्थिक इंपॉर्टेंस से फिर बताया गया है कि भारत प्रयास करे भारत एक कैंपेन करे यानी जब भी यूएस के साथ उसकी वार्ता हो तो उसमें वो ईरान पर अमेरिका के जो प्रतिबंध है उसको हटाने पर फोकस करे यानी ईरान तो अपने ऊपर प्रतिबंध हटाने पर फोकस कर करा लेकिन भारत की विदेश नीति के द्वारा भी इस प्रकार के कदम उठाए जाए कि ईरान पर प्रतिबंध अमेरिका के खत्म हो अगर ऐसा हो पाया तो यह भारत के लिए सामरिक आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत होगी क्यों होगी क्योंकि अब आप देख सकते हैं यानी ईरान के माध्यम से वह क्या क्या कर सकता है तो ईरान के माध्यम से हमारा जो चाबहार बंदरगाह है वह आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है यह चाबहार बंदरगाह यानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और अगर ईरान के साथ हम आर्थिक संबंध बनाते हैं और उसको और बेहतर करते हैं अमेरिकी नीतियों से परे जा करके अगर संभव हो और संभव ना हो तो अमेरिकी नीतियों को बदल करके तो कहीं ना कहीं हम चाबहार बंदरगाह का बहुत व्यापक उपयोग कर सकते हैं याद रखिएगा और यहां पर यह कहा गया है क्या कहा गया चाबहार बहुत महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए भारत के व्यापार और आर्थिक पक्ष को मध्य एशिया में पहुंचाने के लिए यानी आप देख सकते हैं मुंबई से निकला चाबहार और कहाँ गया देख सकते हैं ईरान में चाबहार पोर्ट यहाँ से मुंबई से चाबहार पोर्ट और फिर यहाँ से निकलते हुए काबुल तक जा रहा है तो यही कहा गया है और ग्वादर जहाँ पर ये पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर चीन ने अपना बेस बना रखा है इन दोनों के बीच में महज बहत्तर किलोमीटर की दूरी है तो यानी हम चाबहार के माध्यम से यानी किसको चाइना को भी प्रतिसंतुलित कर सकते हैं चाइना के स्प्रिंग एप्पल्स को भी प्रतिसंतुलित कर सकते हैं और मध्य एशिया के बाजार में भी व्यापक स्तर पर पहुंच सकते हैं तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन समस्या यही है कि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए लेकिन फिर भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी जो हालिया मीटिंग हुई थी उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो लेखक यही कहते हैं कि हमें ईरान से तेल की खरीद भी करनी चाहिए ठीक है लेकिन ध्यान यही रखना है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है तो हम खरीद नहीं सकते हैं तो ऐसे में ईरान पर यह प्रतिबंध समाप्त हो इस प्रक्रिया को भारत को दीर्घकालिक विदेश नीति का लक्ष्य बनाए रखना चाहिए आपकी क्या राय है इस पर जरूर सोचिएगा कमेंट करने का मानो कमेंट करिएगा अदरवाइज जरूर सोचिएगा क्या क्या भारत की विदेश नीति का यह दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए कि ईरान से आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका हटाए और जिसका लाभ भारत को मिले किस रूप में भारत को मिले दो रूपों में यानी तेल की यानी तेल का जो हम इंपोर्ट करते हैं वह हमें मिले और उसके साथ साथ चाबार बंदरगाह के द्वारा हम चाइना को प्रति संतुलित भी कर सके और उसके साथ साथ मध्य एशिया के बाजारों तक भारत के साजो सामान भी पहुंच सके तो एक बार जरूर इस पर कमेंट करिएगा सोचिएगा समराइज नोट्स इंग्लिश समराइज नोट्स हिंदी यानी पूरे टॉपिक का यहां पर सारांशित नोट्स आप पढ़ सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक है देखिए अलग अलग टॉपिक अब ये टॉपिक फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए ईश्वर करेंगे एक ही बार में आ जाए लेकिन हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में लेकिन आप लोगों को ऐसे ही टॉपिकों के बारे में सोचना है क्योंकि नई नई चीजें यूपीएससी पूछ रहा है तो सुझाव कहां से दें तो सुझाव आप कहां से देंगे आप खुद मुझे बताइए अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं वही जो यूपीएससी ने पूछा हुआ कि मरम्मत का सही समय तब होता है जब धूप खिली हुई यानी सनसाइन हो तभी हम कोई भी चीज मरम्मत कर सकते हैं तो यहां मरम्मत का मतलब क्या है मरम्मत का मतलब है कि यानी जी को बढ़ाना मरम्मत का मतलब बेरोजगारी को दूर करना मरम्मत का मतलब जो गांव से शहरों की तरफ प्रवासन है उसको कम करना मरम्मत का मतलब ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार उत्पन्न करना मरम्मत का मतलब क्या है ग्रामीण स्तर पर ही उद्योगों को खोलना ये सब क्या मरम्मत है तो आज धूप खिली हुई यानी आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ा संकट है कृषि का उत्पादन गिर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की अत्यधिक कमी है तो ऐसे में धूप खिली हुई है और छप्पर को मरम्मत करने का समय सही है इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि हम मुद्दे कहां से लेकर के आए और अगली बार भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो ये जो एडिटोरियल पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत मल्टीडाइमेंशनल है आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन का है सोइंग सीड्स ऑफ रूरल आंट्रप्रनोरशिप यानी क्या कह रहा है कि ग्रामीण उद्यमिता के बीज बोना यानी बीज बोना किसका ग्रामीण उद्यमिता यानी गांव में हमें उद्यमिता की मानसिकता को विकसित करना उद्यमिता उद्यम नहीं लगाना मेंटेलिटी की बात हो रही जरा समझिएगा जब मेंटेलिटी आ जाएगी अपने आप उद्यम लग आंतरप्रन्य यानी उद्यमिता की मानसिकता को हमें आगे बढ़ाना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ढेर सारे उद्यम लगने लगे बहुत ढेर सारे उद्योग लगने लग जाएं जिस बहुत गजब का टॉपिक अगर आप समझ गए तो मजा ही मजा आने वाला है ग्रामीण उद्यमिता बस टॉपिक में आप चाहें तो इतना ही लिख लीजिएगा ग्रामीण उद्यमिता क्यों पढ़ने जा रहे हैं देखिए जीएस वन सोसाइटी में गरीबी और विकासात्मक विषय और दूसरा शहरीकरण उनकी समस्या और रक्षोपाय पाए दोनों में आ रहा है कैसे आ रहा है जरा आइए एक प्रश्न दिखाता हूं ठीक है क्या आ रहा है गरीबी और विकासात्मक विषय यानी पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं न्यूज क्या है तब थोड़ा सा और मजा व्हाट इज द इश्यू जिस पर यह एडिटोरियल लिखा गया यानी इस समय जो रूरल इकोनॉमी है उसके बारे में यहां पर बातचीत हुई है जनरल डिक्लाइन देख सकते हैं इन ग्रोथ रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंपेयर टू द ओवरऑल रूरल इकोनॉमी यानी अगर हम समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निरीक्षण करें तो जो जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसकी तुलना में जो कृषि गतिविधियों की वृद्धि दर में गिरावट है आप सबको भी बताए यानी कृषि का उत्पादन गिर रहा है ठीक है अन्य गतिविधियों की अपेक्षा कृषि की स्थिति ज्यादा खराब है याद रखिएगा ठीक है जैसे कंस्ट्रक्शन निर्माण मैन्युफैक्चरिंग बेनिर्माण सर्विसेस सेवा और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी गैर कृषि गतिविधियों में क्या करा स्थिर वृद्धि देखी गई स्टडी यानी बहुत तेज नहीं है लेकिन लगातार वृद्धि देखी गई तो आप देख सकते हैं समस्या कहां है कृषि गतिविधियों में स्थिति ठीक नहीं है तो राइटर क्या कहते हैं और आपको अच्छे से पता है कृषि में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ जरा सोचिए कृषि में भारत की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी रोजगार में लगी हुई है लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है कहीं डेटा बावन परसेंट आता है कहीं 58 परसेंट आता है तो राइटर यही कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर पर इतने लोग डिपेंडेंट हैं और बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है तो ऐसे में बहुत बढ़िया पॉइंट है कि भारत को अगर अपने पॉपुलेशन डिविडेंट डेमोग्राफिक डिविडेंट ऐसे में यदि भारत को अपने जनसंख्य लाभांश का लाभ उठाना है तो आप देख सकते हैं तो गैर कृषि तो क्या है यानी गैर कृषि क्षेत्रों में क्या करना है गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास करना है और युवाओं को उसके साथ जोड़ना है युवाओं को अवसर प्रदान करना है याद रखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको आंतर प्रन्योरशिप यानी उद्यमिता के साथ जोड़ना है तब जाकर के हम यानी ग्रामीण इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी को मजबूत कर पाएंगे और जो हम कहते हैं कि अर्बन इकोनॉमी का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है हम कह पाएंगे कि रूरल इकोनॉमी का भी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है मुद्दा यही है ध्यान रखेगा ठीक है अब हम आते हैं कि इसको कनेक्ट क्यों किया गया गरीबी और विकासात्मक विषय यानी ग्रामीण गरीबी को अगर दूर करना है तो हम कैसे कर पाएंगे यानी रूरल एरिया में आंतर कि संकल्पना को आगे बढ़ा करके पहला पॉइंट ये ठीक है दूसरा क्या कह है शहरीकरण उनकी समस्याएं उनके रक्षोपाय जरा एक प्रश्न देखिएगा 2015 में आया है भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं ग्रामीण नगरीय एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए स्मार्ट सिटीज जरा सतर्क होकर के इस प्रश्न को आसान मत समझिएगा इसमें अभी मैं आपसे पूछता हूं स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट बिलेज डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैक ड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन देखिएगा यानी जिस बच्चे को रूरल अर्बन इंटीग्रेशन नहीं पता है आप मुझे बताइए क्या वो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से डील कर पाएगा रूरल अर्बन इंटीग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं अभी रूरल अर्बन इंटीग्रेशन ये रूरल अर्बन इंटीग्रेशन के माध्यम से ही हम ग्रामीण उद्यमिता का विकास करेंगे और उसके बाद गांव के युवाओं को शहरों में रोजगार के लिए भेजेंगे वो सीख करके आएंगे फिर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम लगाएंगे और अपने जैसे न जाने कितने युवाओं को रोजगार देंगे जिससे प्रवासन की समस्या का भी समाधान होगा और जनसंख्या के अतिरिक्त से सरप्लस से शहर खराब भी नहीं होंगे यानी जनसंख्या का दबाव शहरों पर अगर कम हो जाएगा तो शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान अपने आप हो जाएगा तो भारत में स्मार्ट नगर अगर हमें बनाना है तो स्मार्ट गांव बनाना पड़ेगा स्मार्ट गांव बनाने के लिए यानी हमें रूरल आंध्रशिप जो टॉपिक लिखा हुआ हमें ग्रामीण उद्यमिता के बीच गांव में बोना ही पड़ेगा तभी हम स्मार्ट गांव बना पाएंगे तो यहां पर यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा स्मार्ट गांव अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट गांव बनाने के लिए हमें रूरल आंतर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा किसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा ध्यान रखिएगा रूरल आंतर प्रनियोरशिप का डेवलपमेंट करना पड़ेगा यह चीज आप ध्यान रखिएगा तो यहां से भी कनेक्ट होगा फिर इसके बाद क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना ऑब्वियस है इसके अलावा समृद्धि और रोजगार और विकास ये सबके साथ कनेक्टेड है जीएस थ्री इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना विकास प्रगति रोजगार अगर हम रूरल आंतरप्रनोरशिप डेवलप कर लेगे सिक्सटी नाइन परसेंट आबादी हमारी गांव में रहती है आप सोचिए कि हम किस प्रकार से पॉपुलेशन डिविडेंड का लाभ उठा पाएंगे सिक्सटी नाइन परसेंट आबादी अगर गांव में रहती है तो आप स्वयं विचार करिए कि उसमें युवाओं की संख्या कितनी ज्यादा है अगर हम रूरल आंतर

तो है यानी साइंस और टेक का बेहतर उपयोग अगर किया जाए तो हम रूरल आंतरप्रिप को बहुत बेहतर स्तर पर आगे ले जा सकते हैं इसीलिए साइंस का भी लगा दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां ध्यान रखिएगा तो ये यहां से भी लगा दिया गया और एक मॉडल क्वेश्चन बना दिया गया पहले मॉडल क्वेश्चन देखेंगे फिर एसे पर आएंगे ध्यान रखिएगा क्टर गिए यदि भारत को अपने जनसंख्य लाभांश का लाभ उठाना है सिक्सटी नाइन परसेंट आबादी गांव में रह रही तो ऑबियस सबसे ज्यादा युवा भी वहीं पर है तो गैर कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए विकास और अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है टिप्पणी कीजिए यानी सेम कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल आंतरप्रन्य आपको डेवलप करना है जिससे हम पॉपुलेशन डिविडेंड का फायदा उठा पाए ठीक है तो रूरल आंट्रप्रन्य अब इसी प्रश्न को एक और प्रश्न के साथ मैं इंटरलिंक करता हूं जरा आप समझिएगा किस प्रश्न के साथ यद्यपि हम जनसंख्य लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते और फिर उसी में लिखा हुआ था क्या ऐसा करने में हम कोई चूक कर रहे हैं रोजगार योग्यता तो वही तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो रूरल यूथ है जो ग्रामीण युवा है उसको हम आंतरप्रोशिप स्किल अगर सिखाएंगे उसे हम उद्यमिता उद्यम का स्किल सिखाएंगे उद्यम का मतलब क्या हो गया यानी वह किस प्रकार से चिप्स बनाने की आलू के चिप्स पोटैटो चिप्स बनाने की छोटी सी फैक्ट्री अपने गांव के आसपास बना सके यही है रूरल आंत्र प्रोन्योरसिप कैसे वो टोमेटो केचप बनाने का जो पूरा उद्यम होता है वह अपने क्षेत्र में बना सके इसी को बोलते हैं रूरल आंत्र प्रोन्योरशिप तो अगर हम ऐसा कर पाए अगर हम उनको स्किल्ड कर पाए तो क्या हो जाएगा जो यह प्रश्न पूछा है कि क्या ऐसा करने में हम कोई चूक कर रहे हैं यस रोजगार योग्यता हम डाल ही नहीं रहे तो रूरलोरशिप लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा रूरल आंतरप्रोरशिप के लिए आपको जो रूरल कॉलेज हैं जो रूरल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या करना पड़ेगा आपको इस प्रकार की चीजों को यानी रूरल आंतरप्रन्योरशिप के कोर्सेस को डालना पड़ेगा कॉलेजों में इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे और आपको कॉपरेशन मतलब आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी निजी क्षेत्रों के साथ तो बहुत से काम करने पड़ेंगे तब जा करके के आप ये कर पाएंगे और ऐसा कर पाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा फिर उसी प्रश्न में पूछा था कि भारत को जिन जॉबों की दरकार है वो जॉब कहाँ से आएंगे यानी भारत को जो जॉब चाहिए वो कहाँ से आएंगे तो आप बताइए भारत को जिन जॉबों की दरकार है वो रूरल एंट्रप्रन्यरशिप से आएंगे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं एक पॉइंट जरा कमेंट करके बताइए तो ये बहुत गजब का टॉपिक है आपको मजा आएगा 2016 में यह निबंध पूछा है नव नवप्रिवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक ये पूरा एडिटोरियल इसी इसी ऐसे पर लिखा गया है इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल पूरा एडिटोरियल इसी पर इनोवेशन यानी अगर हम रूरल आंट्रप्रनोरशिप को डेवलप कर पाए तो जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जब ग्रामीण उद्यम लगेंगे तो है यानी शिक्षा स्वास्थ्य इन सब का भी विकास वहां पर अपने आप होने लगेगा जहां पर उद्योग होते हैं वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं तो ऑबियस ये, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा यही पूरा लिखा हुआ है 2016 में एक और निबंध आया था भारत में लगभग रोजगार विहीन सम, समृद्धि तो आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम तो भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि अगर भारत में रोजगार के साथ समृद्धि के, तो के, के बाद आपके दिमाग में आ गया कि रोजगार के साथ समृद्धि लाने के लिए हमें रूरल आंट्रप्रन्य को डेवलप करना पड़ेगा तो आइए चलते हैं क्या क्या है तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द इश्यू यानी कृषि गतिविधियों की वृद्धि दर में गिरावट है अन्य जो ग्रामीण उत्पादक गतिविधियां हैं उनके कंपेयर में वो ठीक चल रही हैं इसी पृष्ठभूमि में ये कहा गया है कि कृषि क्षेत्र पर बहुत बड़ी आबादी अपने रोजगार के लिए डिपेंड है ऐसे में ऐसे में अगर हम यानी रूरल आंथ्रशिप डेवलप करें तो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं अब आते हैं यानी फार्म सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में जो विजन है ठीक है ग्रोथ का वो क्या है आइए साफ साफ कहा गया कृषि क्षेत्र में ग्रामीण उद्यमिता को अगर हम प्रोत्साहन प्रदान करें और इससे भारत की आर्थिक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ दे तो क्या फायदा हो जाएगा यानी जीडीपी भी बढ़ेगी और रूरल जो उद्यमिता है उसके साथ साथ ग्रामीण समृद्धि भी बढ़ेगी ध्यान रखिएगा तो सिंपल कह रहा है एक पॉइंट यहां से पकड़िएगा कि हम रूरल उद्योग बनाए और उसके बाद उसको शहरों के साथ कनेक्ट कर दे रूरल अर्बन इंटीग्रेशन कर दे ठीक है क्या कर दें रूरल अर्बन इंटीग्रेशन कर दें कैसे करेंगे देखिए टाइप ऑफ रूरलशिप यह आपको समझने की जरूरत है यानी ग्रामीण उद्यमशीलता के कौन कौन से प्रकार हैं तो देखिए पहला प्रकार क्या है जिसका विकास हमें करना एग्रो बेस्ड एंटरप्राइजेस यानी कृषि आधारित उद्योग हम डेवलप करें दूसरा वन आधारित हम उद्योग विकसित करें फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज तीसरा क्योंकि वहाँ पर बहुत से खनिज संसाधन होते हैं तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएं फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम वहाँ पर लगा सकते हैं हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट से संबंधित उद्योग हम विकसित कर सकते हैं इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी हम विकसित कर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब जैसे ऐप वगैरह बनाने की कला भी युवाओं को सिखाई जा सकती है तो आप देख सकते हैं इसको बना लीजिएगा डायग्राम टाइप्स ऑफ रूरल ऑंट्रप्रनोरशिप ये मैं क्यों बता रहा हूं इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जो मैं एक दो तीन बातें कर रहा हूं कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है तो इस जॉबलेस ग्रोथ को कैसे जॉब के साथ ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सकता है ये प्रश्न तो आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है तो कम से कम आपके पास एक मॉडल है टाइप्स ऑफ रूरल आप बताएंगे कि सर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम एग्रो बेस्ड इंटरप्राइजेस को डेवलप करें फॉरेस्ट बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करें हैंडीक्राफ्ट को इंजीनियरिंग सर्विसेस को तो हम ग्रामीण क्षेत्रों को सक्षम बना सकते हैं तो ये डायग्राम आपके लिए ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए यानी किसके लिए टाइप्स रूरल आंतर पर्नर्सशिप को डेवलप करने के लिए रूरल अर्बन लिंक की आवश्यकता है अब रूरल अर्बन लिंक क्या है जरा इसको समझिएगा इसको हिंदी में करना मुश्किल था इसको मैं इंग्लिश से समझाऊंगा वी कैन क्रिएट अ मोर कोहेसिव इकोसिस्टम यानी हम एक कोहेसिव यानी जोड़ने वाली लिंक करने वाली संयोजक पारिस्थितिकी संयोजक यानी जोड़ने वाली पारिस्थितिकी का निर्माण कर सकते हैं याद रखिएगा जहां पर जो बिजनेस के सोर्स होते हैं यानी कोई भी चीज जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है तो वो सोर्सेस क्या होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, जिन्हें हम इनपुट कहते हैं और इसके साथ साथ क्या लेबर की आवश्यकता पड़ती है याद रखेगा तो ये कहा गया है कि अगर हम यानी ग्रामीण स्तर पर ही जो इनपुट्स होते हैं इनको बेहतर ढंग से तैयार कर पा जाएं और फिर इनको हम शहरों की तरफ सप्लाई करें तो इस रूरल अर्बन लिंक के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी और शहरी क्षेत्रों को भी ग्रोथ के इंजन बना सकते हैं विकास के इंजन बना सकते हैं यह पॉइंट ध्यान में आप रखिए ठीक है क्या कहा गया है यानी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें रॉ मटेरियल यानी एग्रीकल्चर के जो भी इनपुट्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा गांव में बहुत बड़ी मात्रा में आबादी रहती है युवाओं को हम स्किल्ड करें और उसके माध्यम से हम शहरों के साथ उन्हें जोड़ दें यानी अगर शहरों में स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है तो उसे हम गाँव से भेजें इसके साथ साथ रॉ मटेरियल की आवश्यकता है तो उसे हम गांव से भेजें इस रूरल अर्बन लिंक के माध्यम से हम ग्रामीण उद्यमशीलता को बहुत बेहतर ढंग से विकसित कर और संपूर्ण देश के विकास की बेहतर नींव रख सकते हैं ध्यान रखिएगा अब आता है यहां पर एक एग्जाम्पल बताया गया है दो मिनट के लिए इसको समझना जरूरी है भारत में मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थिति क्या है जरा समझिएगा 31 मार्च 2022 तक का डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है आप देखिए भारत में 63 मिलियन से अधिक एमएसएमई है कितने हैं 63 मिलियन से अधिक एमएसएमई है जिनमें से 94 परसेंट सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो उद्यम है ये पीटी के लिए भी याद रख लीजिएगा 94 परसेंट क्या आप लोगों को पता था माइक्रो है बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और 30 अप्रैल 2022 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 6.33 करोड़ एमएसएमई में से लगभग 12 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं यानी ये रोजगार भी दे रहा है अब आप यहां से देख सकते हैं तो एमएसएमई की स्थिति के बारे में यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं अब याद रखिएगा लेकिन अब समस्या क्या है इतनी प्रभावशाली संख्या के बावजूद भारत की ग्रामीण प्रतिभाओं का यानी जो भारत में युवा आबादी रह रही है गांव में का बड़ा हिस्सा विकास के अवसरों से वंचित है अब आप देख सकते यानी वो क्या है विकास के अवसरों से वंचित है इसमें उसकी भागीदारी नहीं है या है तो बहुत कम है यानी जो उद्योग है उनमें भागीदारी बहुत कम है तो ए, रीजन क्या है रीजन यह है इस पॉइंट को बहुत बढ़िया से एक बार फिर से सुन लीजिएगा इतनी प्रभावशाली संख्या के बावजूद भारत की ग्रामीण प्रतिभाओं का बड़ा हिस्सा विकास के अवसरों से वंचित है यानी जो गांव में युवा रह रहा है ये गांव का युवा ये क्या है विकास के अवसरों से वंचित है क्यों यानी इसलिए चूंकि कृषि से अलग कुछ सोच ही नहीं रहा कृषि से अलग सोचने के लिए जो ज्ञान चाहिए और जो कौशल चाहिए नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए वो उसके पास है ही नहीं तो कृषि से परे कृषि से अलग सोचने वाले युवाओं को ग्रामीण भारत में अब हमें तैयार करने की आवश्यकता है उन्हें वह ज्ञान वह कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है कि वह कृषि से अलग सोच सके अभी एग्जाम्पल भी आ रहा अभी शानदार एग्जाम्पल भी आ रहा है जरा रुके रहिएगा तब आएगा आपको मज़ा कि कैसे ग्रामीण युवा यानी आई क्यू आई पी करके पॉइंट को समझिएगा आई क्यू आई पी करके ध्यान रखिएगा और अपनी आर्थिक स्थिति बदल करके और दूसरों को भी इसका लाभ दे सकते हैं तो आइए अभी हम सब समझने वाले हैं ये टॉपिक बहुत बढ़िया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा 2019, 2019 के वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार अगर आप देखें ठीक है ना तो भारत में लगभग पैंसठ परसेंट आबादी है जो अपनी आजीविका कृषि से अर्जित करती है यानी अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है मेरे प्यारे बच्चों कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर और जो भारत सरकार का आधिकारिक डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी आवधिक बल सर्वेक्षण उसके अनुसार लगभग अठावन प्रतिशत भारत की आबादी यानी आप देख सकते हैं वह किस पर निर्भर कृषि एवं सहायक गतिविधियों पर जरा ध्यान से देखिए इस डेटा को मैं नहीं कह रहा हूं वर्ल्ड बैंक कह रहा है और आधिकारिक डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कह रहा है यानी कहां पर एग्रीकल्चर पर और एग्रीकल्चर उनके लिए लाभकारी है नहीं तो अब अगर, अगर एग्रीकल्चर पर ये डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर इनके लिए लाभकारी है नहीं तो क्या किया जाए ये तो कृषि से परे सोच ही नहीं पा रहे ना यानी ये कृषि से परे तो सोच ही नहीं पा रहे तो क्या किया जाए इनको कृषि से परे सोचवाया जाए कैसे सोचवाया जाए आइए बताते हैं और बड़ी तकलीफ होती है इंडियन मीडिया से जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन वो लोगों के बीच में आती नहीं राइटर कहते हैं कि अब परिदृश्य बदल रहा है याद रखिएगा कि द नॉन फॉर्म रूरल सेक्टर यानी गैर कृषि जो ग्रामीण क्षेत्र है वह हाँ अब महत्वपूर्ण रूप से उभर रहा है यानी कृषि के अलावा जो है अब अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीण युवा देख रहा है अपने भविष्य को याद रखिएगा ठीक है ना अब जैसे जो परंपरागत गैर कृषि बिजनेस हैं, जो परंपरागत गैर कृषि व्यवसाय हैं, ठीक है ना परंपरागत गैर कृषि व्यवसाय जिनकी तरफ यानी अब ग्रामीण युवा देख रहा है वो कौन कौन से हैं परंपरागत एग्रो प्रोसेसिंग यानी कृषि प्रसंस्करण पर ट्रांसपोर्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पर मार्केटिंग यानी वितरण पर रिटेल पर यानी खुदरा बिजनेस पर टूरिज्म यानि ग्रामीण पर्यटन पर रूरल मैन्युफैक्चरिंग पर रूरल कंस्ट्रक्शन पर रूरल माइनिंग पर यानि ये वो परंपरागत गैर कृषि क्षेत्र हैं जो अब यानि ग्रामीण युवाओं की निगाह में है कि उन्हें इन पर काम करना है और वो बेहतर काम कर रहे हैं वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि सेनारियो चेंज हो रहा है यानी कृषि के अलावा अब अन्य गतिविधियों पर भी फोकस है ये परंपरागत गतिविधियां हैं इसके अलावा यानी बहुत सी सेवा आधारित व्यवसाय भी आ गए हैं जिन पर उनका ध्यान है लेकिन इस पर उन्हें स्किल करने की आवश्यकता है जैसे माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यम जैसे हथकरघा जैसे बेकरी जैसे ऑटोमोबाइल रिपेयर जैसे ई सर्विस कियोस्क जैसे कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह तो इस प्रकार की चीजें भी अब वहां पर आ चुकी हैं तो इसको प्लीज याद रख लीजिएगा ये सारा का सारा आपको आपकी कॉपी में होना चाहिए और कुछ भले ना हो ये यानी कृषि से मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न आ गया कि कृषि ग्रामीण कृषि जो अब यानी युवाओं के लिए लाभकारी नहीं रह गई है या कृषि करने वालों के लिए लाभकारी नहीं रह गई है उनको लाभकारी पेशे के साथ कैसे जोड़ा जाए यानी कौन कौन से पैसे ऐसे हैं कौन कौन से प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें वो यानी अपने आप को नियोजित कर सकते हैं तो आप यह लिखिएगा परंपरागत ग्रामीण गैर कृषि व्यवसाय जिनसे हम ग्रामीणों को जोड़ सकते हैं और नए सेवा आधारित व्यवसाय जिनसे हम ग्रामीणों को जोड़ सकते हैं तो यह लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं याद रखेगा और लेखक यहां पर ये कह रहे हैं कि ये गतिविधियां ऐसा नहीं कि आज ये आज की हैं ये गतिविधियां दशकों से हैं कृषि प्रसंस्करण यानी कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत करना ये आज की कहानी ये तो दशकों पुरानी कहानी है ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपने सुना ही सुना है ठीक है ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक ये सब पुराने हैं और ये सब भी पुराने हैं समस्या क्या है इतने पुराने चीजें हमारे पास हैं तब भी हम यानी इसको ग्रामीण जीवन का हिस्सा नहीं बना पाए हैं तो उसका रीजन है देखिए साफ साफ कहा जा रहा है इनोवेशन की कमी यानी नवाचार की कमी यानी ये उच्च लाभ देने वाले व्यवसाय ये और ये क्या है उच्च लाभ देने वाले व्यवसाय क्या है ये सब उच्च लाभ देने वाले व्यवसाय लेकिन इनको हम उच्च लाभ वाले व्यवसाय में बदल नहीं पाए क्योंकि हमारे पास इनोवेशन ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऐसे में अगर हम सरकार इनोवेशन को बढ़ावा दे इनको स्किल्ड करे तो इन क्षेत्रों के लिए किसको ग्रामीण युवाओं को इन क्षेत्रों के लिए स्किल्ड करे तो स्वाभाविक रूप से हम नॉन फार्म से ग्रामीण आय को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं याद रखिएगा अब यहां पर एक उदाहरण जो मैंने कहा कैसे यानी ये तो हो गया भाषण अभी तक अब यहां पर है कि कैसे किया जा सकता है तो जरा देखिएगा करने वाले कैसे करते हैं आई क्यू आई पी देखिएगा जरा यहाँ पर आई क्यू आई पी पुणे के एक उद्यमी है पुणे के एक उद्यमी उनका नाम है अरुण अवताड़े महाराष्ट्र तो ये महाराष्ट्र में जिस क्षेत्र में रहते थे वह सूखे का शिकार था और गरीबी यानी है सूखा पड़ा और ये गरीबी के शिकार हुए फिर इन्होंने एक इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट किया ध्यान रखिएगा एक नवाचारी बिजनेस यानी सेवा प्रदान करने का बिजनेस सेवा यानी सर्विस यहां सेवा नहीं कि वो फिल्म थ्रॉपी वाली नहीं सेवा यानी क्या है इनोवेटिव बिजनेस इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर का शुरू किया किस चीज की सर्विस इनकी कंपनी प्रदान करती थी वो किसानों को यह बताती थी कि पानी को कैसे बचाया जाए मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए याद रखिएगा कैसे कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग को रोका जाए यानी इन विषयों पर वो काम करने लगे और पूरे में जागरूकता पर कैंपेन चलाने लग गए याद रखिएगा ये उन, उन्होंने एक इनोवेटिव बिजनेस किया अब देखिएगा यानी उनको उनके बिजनेस से दस करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है राजस्व प्राप्त हुआ यानी जो व्यक्ति गरीबी का शिकार हो गया था वह इस सेवा आधारित उद्यम से जिसमें उन्होंने यानी एक समूह बनाया एक ग्रुप बनाया उसको रजिस्टर्ड कराया और उसके माध्यम से जिस चीज के वो स्वयं शिकार थे यानी सूखे के और उन्होंने उसी का विकल्प अपने क्षेत्र में देना शुरू किया और उसके बदले में उन्हें यानी सेवा के लिए मूल्य मिलने लगा और आज दस करोड़ का राजस्व उन्होंने अर्जित कर लिया तो ऐसे में याद रखेगा उन्होंने कैसे किया जरा ध्यान रखिएगा उन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग सिस्टम को डेवलप किया याद रखेगा आई किया जरा समझिएगा आई क्यू आई पी ठीक है ना अब आप देख लीजिएगा ठीक है ना उनके पास केवल एक डिप्लोमा था याद रखिएगा वो केवल एक वोकेशनल डिप्लोमा था एक व्यावसायिक डिप्लोमा था लेकिन जैसे मैं हूं मैंने आई एस के इंटरव्यू केवल आपके लिए दिया हुआ है बस इतना ही है लेकिन कैसे आई आई हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करता हूं इन्होंने भी वही किया यानी इन्होंने क्या किया इनके पास एक डिप्लोमा था चाहते तो उदास रहते थे एक डिप्लोमा से मैं क्या कर सकता हूं इन्होंने जो नया बिजनेस शुरू किया वो प्लास्टिक मल्चिंग समाधान यानी ये जो यहाँ किसानों को उन्होंने समाधान दिया पानी बचाने का मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने का अब अगर आप पानी बचा ले जाएंगे तो सूखे का आपको कम नुकसान होगा ना मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो गया तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी ना जरा समझिएगा अगर आप कीटनाशकों का उपयोग कम करेंगे तो उस वातावरण को और खासकर मिट्टी को भी नुकसान कम होगा ना तो इन तीनों के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन डेवलप किया जिसका नाम था प्लास्टिक मल्चिंग यानी उन्होंने एक इजरायली तकनीक का भारतीयकरण कर दिया आईक्यूआईपी कर दिया यानी इसराइल की टेक्नोलॉजी थी प्लास्टिक मल्चिंग सोलूशन उन्होंने उसको भारतीय परिवेश के हिसाब से ढाल दिया प्लास्टिक मल्चिंग सोल्यूशन इसको रट लीजिएगा प्लास्टिक मल्चिंग सोल्यूशन ये क्लाइमेट चेंज के दौर में भी यहाँ क्लाइमेट चेंज का कहीं जिक्र नहीं है लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो सूखे की घटना बार बार हो रही है तो प्लास्टिक मल्चिंग टेक्नोलॉजी जो इजरायली टेक्नोलॉजी है जिसका इन्होंने भारतीयकरण किया है इसके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज और सूखे की समस्या का बेहतर ढंग से समाधान कर सकते हैं कैसे मैं प्रैक्टिकल के द्वारा बता रहा हूं आप आइए अब उनका जो प्लास्टिक मल्चिंग समाधान है मेरे प्यारे बच्चों यानी पुणे के इनके क्षेत्र में जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है किसानों का हजारों किसानों की मदद की है यह एक इनोवेशन है और अब आप देख सकते हैं ठीक है ना और आज अरुण अपने इस इनोवेशन के कारण जिनके पास एक डि डिप्लोमा था आज अपने अपनी फर्म में अपनी कंपनी में शीर्ष विश्वविद्यालयों के इंजीनियरों को स्नातकों को नौकरी दे रहे हैं सोच लीजिए जिनके पास केवल एक डिप डिप्लोमा था आज उनके यहाँ शीर्ष यूनिवर्सिटीज में पड़े हुए लोग काम कर रहे हैं तो ये क्या है मल्चिंग टेक्नोलॉजी वट इज प्लास्टिक मल्चिंग सोलूशन क्या है प्लास्टिक मल्चिंग का मतलब आप ऐसे समझिएगा जब पढ़ाऊंगा तो उतना ईजी नहीं समझ पाएंगे अब आप इसको जरा इस पिक्चर के माध्यम से समझ देख रहे हैं प्लास्टिक मल्चिंग प्लास्टिक होती ना प्लास्टिक जिसे हम पॉलीथीन बोल सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये देखिए यानी ये खेती कैसे की जा रही ये सब प्लास्टिक है यानी और ये सब क्या है ये ये सारे पौधे यानी फसल लगाई गई किसी भी चीज की फसल हो सकती है ठीक है ना ये सारे फसल लगाएगी तो अब आप देखिएगा यानी ये प्लास्टिक पूरा बिछा दिया जाता है पूरे खेत में ऐसे पंक्तियों में यानी ऐसे ऐसे पंक्तियों में क्यारियों में कुछ भी आप कह सकते हैं प्लास्टिक बिछा दिया जाता है और उसके अंदर ये देख सकते हैं यानी ये पौधे निकले हुए दिखाई देते हैं इसी को बोलते हैं प्लास्टिक मल्चिंग याद रखेगा ठीक है ना प्लास्टिक मल्चिंग ऑफ द स्वायल इज बेस्ड ऑन प्लास्टिक कल्चर प्लास्टिक संस्कृति पर आधारित है प्लास्टिक मल्चिंग मिट्टी की प्लास्टिक मल्चिंग ध्यान रखिएगा प्लास्टिक मल्चिंग ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ना यानी कृषि के उत्पादन में प्लास्टिक का प्रयोग करना उसे हम प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं याद रखिएगा ये क्या होती है पॉलिथीन की सीट होती है पॉलिथी ये देखिए यह पूरा का पूरा पॉलिथीन की सीट होती है मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है अब जरा इसको आसानी से समझते हैं यानी कंजर्व सॉयल एंड वाटर यानी मृदा और जल को संरक्षित करने के लिए यानी मृदा और जल यानी मिट्टी और जल को संरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है याद रखिएगा और किस चीज के लिए जिससे कि कोई खरपतवार उत्पन्न ना हो यानी मृदा और जल के संरक्षण के लिए खरपतवार को रोकने के लिए इसके अलावा यानी फसल के उत्पादन में यानी पानी का कम से कम उपयोग हो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है ध्यान रखिएगा तो आई होप आप समझ गए होंगे यानी इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है मिट्टी और पानी दोनों के संरक्षण के लिए इसके अलावा जो खर पतवार होते हैं उसको रोकने के लिए इसके अलावा यानी फसल उत्पादन में पानी की मात्रा का कम इस्तेमाल हो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे करते हैं यानी ये सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं यानी कि पानी का भी कम इस्तेमाल हो रहा है मिट्टी की उर्वरकता भी बनी हुई है तो अब जरा ध्यान दीजिए अभी भी देखिए यहां पर था बीज यानी जो ये बीज के बाद जो ये प्लांट निकले हुए छोटे छोटे इधर देखिए प्लास्टिक वही है प्लांट हो गए बड़े बड़े आप देख सकते हैं प्लांट हो गए बड़े बड़े तो अब देखिएगा क्या करता है प्लास्टिक का जो मल्च होता है यानी जो प्लास्टिक यानी जो पॉलिथीन होती है ये 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 जो पॉलीथीन होती है जब हम यानी पौधे के ऊपर बिछा देते हैं तो क्या होता है या पृथ्वी के सॉरी मिट्टी के टेम्परेचर को मिट्टी के तापमान को बढ़ा देता है जरा याद रखेगा मिट्टी का तापमान बढ़ गया इसके अलावा जो मिट्टी में वाष्पीकरण होता है पानी क्या होता है पानी धूप वगैरह रहता है तो पानी सब वाष्पीकृत हो जाता है सब पानी उड़ जाता है तो ये पानी के एबॉपरेशन को भी रोकता है याद रखिएगा ठीक है ना और इसके अलावा यह मिट्टी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है याद रखिएगा यानी यह या नाइट्रोजन ऑक्साइड और जितने अन्य पोषक होते हैं जो मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है उनके संकेंद्रण को फसलों तक ही सीमित कर देता है याद रखिएगा इसके अलावा ये और क्या करता है खरपतवार को रोक देता है इसके अलावा जो पौधे होते हैं उन पर किसी भी प्रकार के यानी जो भी आ, आ, क्या बोल सकते हैं पेस्ट का जो अटैक होता है उससे भी रोक देता है और फ्रूट रोटिंग यानी कि जो फल वगैरह सड़ जाते हैं वो सड़ने भी नहीं देता है यानी किसी भी प्रकार के कीटनाशकों के हमलों से और सॉरी किसी भी प्रकार के यानी जीवों के हमलों से और किसी भी प्रकार के का फल अगर हम पैदा हैं उसको सड़ने से भी बचाता है तो ये बेनिफिट है प्लास्टिक मल्चिंग के तो प्लास्टिक मल्चिंग क्या है कैसे किया जाता है ये आपको बता दिया गया यानी एक पॉलिथीन बिछा करके और फिर वहां पर कृषि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है ये उन्होंने किया है तो ऐसे में अगर इसी प्रकार की पद्धतियों का विकास और यह जो इनोवेशन हुआ इसको लोगों के बीच में ले जाया जाए तो संभवतः हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान में तो ये सब मीडिया का विषय है ही नहीं इस पर एक रिसर्च होना चाहिए लेकिन रिसर्च होता ही नहीं है बे फॉरवर्ड तो इसी प्रकार की जो है प्रक्रिया के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है ध्यान रखिएगा ठीक है कैसे किया जा सकता है उसका रास्ता भी बताया गया है यानी बिजनेस आइडिया कॉन्टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है आंत्र प्रेनोरियल हैकाथॉन के द्वारा किया जा सकता है यानी ये सब क्या है? ये अवेयरनेस के कार्यक्रम है इसके अलावा मेंटर मोबाइल क्लिनिक जैसी पहलों के माध्यम से हम ग्रामीण युवाओं को इस प्रकार के विचारों से परिचित करा सकते हैं याद रखेगा इसके अलावा और काम क्या करना चाहिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाने की जरूरत है जहां पर हम ग्रामीण युवाओं को छोटी छोटी बातों की शिक्षा दे सकें जिससे वो स्किल हो सकें याद रखिएगा तो ऐसे में अगर हम इस प्रकार की पहल करते हैं और युवाओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करते हैं तो हम उन्हें बेहतर उद्यमी बना सकते हैं और अगर हम उन्हें बेहतर उद्यमी बना पाएंगे तो रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी और कंट्री की भी इकोनॉमी मजबूत होगी लेकिन इनोवेशन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और जैसा कि यानी आपने उड़े मॉडल देखा आपके सामने दिखाया गया कैसा लगा टॉपिक ज़रूर बताइएगा मज़ा आया कि नहीं मज़ा आएगा मैं पानी पी लेता हूं एक मिनट तब तक आप लोग साहित्य के नोबेल के बारे में जरा पढ़ लीजिए अब आता है तीसरा टॉपिक नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 एनी एंड्रॉक्स को मिला है तो बस ये तो पीटी की न्यूज़ है ये फ्रांस की हैं याद रखिएगा फ्रांसीसी लेखक हैं और इनको किस लिए मिला है यानी इन्होंने जेंडर पर लिखा है लैंग्वेज पर लिखा है और क्लास पर लिखा है और जेंडर लैंग्वेज और क्लास में जो भी असमानता होती है अपने लेखन में इसको उन्होंने उजागर किया है तीस से ज्यादा इन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी इसीलिए इनको मिला है और ज्यादातर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी टाइप की रचनाएं लिखी हैं यानी अपने बारे में बहुत कुछ लिख दिया है और उनकी कौन कौन सी बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं अब वुमेन स्टोरी अ मैंस प्लेस और सिंपल पैसन स्टोरी यानी तीसरा एक हो गया अब वुमेन स्टोरी दूसरा हो गया अ मैंस प्लेस और तीसरा हो गया सिंपल पैसन स्टोरी और चौथा हो गया द ईयर्स द ईयर्स याद रखेगा जो मान बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुनी गई थी जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन एलिसन एल स्ट्रायर ने किया था याद रखेगा और उनकी एक और किताब थी हैपनिंग जो बड़ी अभी चर्चा में रही है हैपनिंग हैपनिंग 1960 के दशक में उन्होंने लिखी थी जब उनका इलीगल एबॉर्शन करवा दिया गया था यानी उनका खुद तो ये हैपनिंग एक किताब थी 2001 में यह प्रकाशित हुई है और यह काफी सुर्खियों में रही क्योंकि अमेरिका में गर्भपात के अधिकारों में कटौती की गई थी तो उस समय यानी इनकी यह पुस्तक काफी चर्चा में रही थी तो ये बहुत इतना आप ध्यान रखिएगा वाट वाट इज नोपेक द यूएस बिल टू प्रेशर प्लस ऑयल ग्रुप अब जरा ध्यान रखिए अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कल या परसों में कि ओपेक प्लस ग्रुप में ओपेक ओपेक प्लस ग्रुप ने तेल उत्पादन में कटौती करना शुरू कर दिया ठीक है ना उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो अमेरिका का नोपेक चर्चा में आ गया कि ये नोपेक क्या जबकि नोपेक ऐसा नहीं कि आज आया है नोपेक मई में आया है नोपेक एक बिल है क्या है मैं इसको सामान्य भाषा में यही अगर समझा दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे नोपेक अमेरिका के सीनेट द्वारा लाया गया एक बिल है। जिस बिल में अभी यह कानून का रूप नहीं लिया है जिस बिल में यह प्रावधान है कि यदि ओपेक प्लस ऐसे देश बिना पर्याप्त कारण बताए हुए और एकाएक कटौती करते हैं उत्पादन में जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ सकता है अमेरिका पर गंभीर असर पड़ सकता है तो ऐसे में यूएस के अटॉर्नी जनरल के पास यह पावर होगी कि वह ओपेक प्लस के देशों के विरुद्ध मुकदमा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकेगा और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ओपेक प्लस देश के प्रतिनिधियों को आना पड़ेगा यह है नोपेक बिल अब आपके मन में आ यार ये तो सीधी सीधी दादागिरी है तो केवल आपको समझाने के लिए कि नोपेक और ओपेक कि लड़ाई तो विश्व जब भी आप ग्लोबल ऑर्डर पर लिखते हैं कोई भी चीज चीजेकोपेक आपको पता होना चाहिए तब आपके मन में प्रश्न आएगा इसमें यह भी बताया गया है कि भाई यार एक संप्रभु राष्ट्र और एक संप्रभु यानी सॉबरेन कंट्रीज के द्वारा बनाया गया संगठन ओपेक प्लस एक देश के भीतर उनके ऊपर कैसे मुकदमा चलाया जा सकेगा तो इन सब बातों पर यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन यह बिल वहां पर लाया गया है आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए एक बार कमेंट करें नोपेक कैन नो ओपेक बस सिंपल इतना ही आपको बताना था और निबंध वगैरह में जैसे वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है ग्लोबल प्रतिस्पर्धा तो प्रश्न आ जाए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन सब विषयों पर आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं एक नई विश्व व्यवस्था का स्वरूप की प्रकृति कुछ भी तो एक नई विश्व व्यवस्था में नोपेक और ओपेक का झगड़ा भी आप एक पैराग्राफ दिखा सकते हैं इससे आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पक्ष एग्जामिनर के सामने आता तो आइए पढ़ते हैं क्या है नोपेक ओपेक प्लस तेल समूह पर दबाव बनाने वाला अमेरिकी बिल रख लीजिए नोपेक क्या है ओपेक प्लस तेल समूह पर दबाव बनाने वाला अमेरिकी बिल ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि हाल में समाचारों में चर्चा में रहने वाला नोपेक क्या है एक अमेरिकी बिल एक एस, कुछ भी एस्ट्रो नॉट एक जो है एस, कुछ भी कुछ भी चार विकल्प कुछ भी रख सकता है तो आप इसे देख सकते हैं याद रखेगा वाट इज द न्यूज तो देख सकते हैं यानी नोपेक नो आयल नोपेक को जरा फुल फॉर्म देखिएगा नोपेक नो आयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स यानी नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स यानी जो कुछ देश एक कार्टेल बना करके तेल की कीमत को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए जो भी तेल के उत्पादन को घटाते और बढ़ाते हैं उसको रोकने के लिए यह बिल तो उसी को बोलते हैं नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल ये पांच मई को सीनेट कमेटी के द्वारा पारित कर दिया गया है अभी यह पूर्णतया कानून के रूप में आया नहीं है लेकिन सीनेट कमेटी के द्वारा पारित किया गया था याद रखिएगा इसका उद्देश्य था कि जो अमेरिका के कंज्यूमर है और जो अमेरिका के बिजनेस हैं उनको इंजीनियर इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक्स इंजीनियर्ड का मतलब इं, इंजीनियर नहीं इंजीनियर्ड यानी बनावटी तेल स्पाइक से बचाया जाए यानी जो बनावटी तेल की ऊंची कीमतें हो जाती हैं जैसे अब उत्पादन कम कर दिया गया तो तेल की कीमतें अपने आप ऊंची हो जाएंगी ओपेक प्लस के द्वारा जो यानी उत्पादन में कटौती की गई है तो उससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑब्वियस है इस नोपेक बिल का उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट यूएस कंज्यूमर्स एंड बिजनेस फ्रॉम इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक्स बस इतना आपको रट लेना है ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य यही है अब सिग्निफिकेंस ऑफ नोपेक तो ऑबियस है ठीक है यानी न्यूज क्या है हमने कल ही पढ़ा था यानी राइज एज ओपेक प्लस एग्री टू डीप कट्स यूएस अपोज मूव वांट्स लोअर प्राइस यानी ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में कटौती करी सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले ओपेक प्लस क्वार ने अपनी हालिया बैठक में उत्पादन लक्ष्य को दो मिलियन बैरल पर डे कम करने पर सहमति व्यक्त की थी यही न्यूज थी अमेरिका ने कहा यह अच्छी बात नहीं है ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन है आपके सामने देख सकते हैं ये सारी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं याद रखेगा ओपेक प्लस कंट्री में कौन कौन शामिल है इसे आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं ओपेक प्लस देशों में कौन कौन है अजरबैजान बहरीन बुर्ने कजाकिस्तान मलेशिया मैक्सिको ओमान रूस दक्षिण सूडान सूडान ये सारे देश हैं और ओपेक कंट्रीज में कौन है आप इसको भी मैप में देख सकते हैं पढ़ लीजिएगा नोट्स आपको मिलेगा हाउ यूएस कैन यूज नोपेक याद रखेगा तो यह एक अमेरिका का कानून है जो तेल उत्पादक समूह ओपेक प्लस के सदस्यों पर अविश्वास का मुकदमा दायर करता है जरा शब्द पकड़िएगा एंटी ट्रस्ट ला सूट है अविश्वास का मुकदमा यानी कि तुम्हारे कारण से हमें समस्या हो रही है हमारे बिजनेस को समस्या हो रही है तो तुमने एंटी ट्रस्ट काम किया है तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा दायर करेंगे हाउ यूएस कैन यूज नोपेक आपके सामने मैंने बता दिया बताने की जरूरत नहीं बस इसको आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां पर यही बताया गया है इस स्लाइड में आगे की स्लाइड में कि एक संप्रभु देश एक संप्रभु देशों के संगठन के द्वारा लिया गया फैसला किस प्रकार से अमेरिका में अदालत में लाया जाएगा इस पर अभी स्पष्टता नहीं है लेकिन नोपे क्या है वो बताना आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ध्यान रखिएगा ठीक है ना अमेरिकी तेल ने भी नोपेक का विरोध किया है याद रखिएगा ठीक है ना क्यों अमेरिकी तेल उद्योग ने इसका किया है कि अगर नोपेक के डर से ओपेक देश तेल का उत्पादन ज्यादा कर देंगे तो भी तेल की कीमतें गिर जाएंगी और इससे अमेरिकी उत्पादकों को अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को नुकसान होगा याद रखिएगा ठीक है ना यानी प्रस्तावित कानून अंततः ओपेक द्वारा अति उत्पादन का कारण बन सकता है जिससे कीमतें इतनी कम हो सकती हैं कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है जबकि सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों के पास उत्पादन के लिए दुनिया के कुछ सबसे सस्ते और आसान भंडार हैं जिससे वे कम कीमत पर भी उत्पादन जारी रख सकते हैं लेकिन अमेरिका की कंपनियां कम कीमत पर उत्पादन जारी नहीं रख सकती हैं ओपेक प्लस के देश कम कीमत पर भी उत्पादन जारी रख सकते हैं इसलिए नोपेक का विरोध अमेरिकी तेल उद्योग ने भी किया है यही है नोपेक और ओपेक का रिलेशन अगला टॉपिक है व्हाट इज ग्रेप एंड हाउ आर इट मेजर्स टू कॉम्बैट डेली एन एयर पोल्यूशन डिफरेंट दिस ईयर अब इसको जरा ध्यान रखिएगा ये मेरी तरफ से आउट है ग्रैप आउट है अब ये प्रीलिम्स के रूप में भी आउट है और मेन्स के रूप में भी दो हजार। तेईस में ये आउट है ग्रैप को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है ध्यान रखिएगा क्या करना है इसको अच्छे से पढ़ के आपको जाना है ठीक है ठीक है तो आइए देखते हैं ग्रैप क्या है और क्यों ये चर्चा में प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया क्योंकि ज्यादातर उम्मीद है कि प्रिलिम्स में पूछा जाएगा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया है और वह पुअर श्रेणी में आ गया किस श्रेणी में आ गया पुअर श्रेणी में आ गया है ऐसा किसने कहा पांच अक्टूबर को सी यानी सीए मतलब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सी ए क्यू एम ने पांच अक्टूबर को यह कहा याद रखेगा और क्या कहा कि अब एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जी आर ए पी यानी ग्रैप तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा तो अब देखिए यहां पर पीटी के क्या क्या क्वेश्चन हैं कि यानी ग्रेप प्लान कब लागू किया जाता है ग्रैप प्लान कब लागू किया जाता है तो ग्रेप प्लान तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यह कह दे कि यानी किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जब पुअर श्रेणी में आ जाए तब इसकी घोषणा कौन करता है यह भी प्रश्न है तो सी ए यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यह इसकी घोषणा करता है तो अब आप समझ गए ग्रैप क्या है ध्यान रखिएगा अब क्या है ग्रैप के बारे में प्रिलिम्स के लिए भी व्हाट इज द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान मेरे प्यारे बच्चों यानी यह या एक आपातकालीन उपाय है तो क्या कहता है जो एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट ना हो इसके लिए काम करने पर क्या करता है इसके लिए यह काम करता है ध्यान रखिएगा जीआरपी का स्टेज वन तब सक्रिय होता है जब ए क्यू आई खराब श्रेणी में होता है यानी 200 सौ एक से 300 में होता है तो जीआरपी का ग्रैप का स्टेज वन दिल्ली के संदर्भ में लागू हो चुका है चूंकि यहाँ की हवा पुअर श्रेणी में आ चुकी है ध्यान रखिएगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आप निकालता है एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं कलर कोड और एसोसिएटेड हेल्थ इंपैक्ट्स इसको आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड होता है अगर वह जीरो से पचास के बीच में हो जिसको बिल्कुल डार्क ग्रीन से दिखाया गया है देख सकते हैं मॉडरेट होता है एक सौ एक से दो सौ के बीच में आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन आ, डार्क येलो दिखाया गया पुअर होता है ऑरेंज यानी जब दो सौ एक से तीन सौ के बीच में दिखाया जाता है तो ऑरेंज होता है इसको पीटी के लिए भी ध्यान रखिएगा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी कैटेगरी में बेरी पुअर होता है जब रेड होता है तीन एक से चार और जब डार्क रेड होता है यानी एक से ज्यादा तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसका क्या क्या इंपैक्ट होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा अब आता है अबाउट जी यानी इसके बारे में और जी को पहली बार जनवरी 2017 में किसके किसके द्वारा नोटिफाई किया गया था तो आप देख सकते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था ये सब पीटी के फैक्ट हैं क्या आपको पता थे पता थे अच्छी बात है नहीं पता तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चले जाना है याद रखिएगा ठीक है ना और इसे नवंबर 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा क्या किया गया था यानी सबमिट किया गया था बनाया गया था किसको ग्रैप को तो अब आप देख सकते हैं ग्रैप को किसने बनाया है तो ग्रैप को बनाया है सीपीसीबी ने यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2016 में और बनाया सबमिट किया और तब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसे 2017 में नोटिफाई किया अधिसूचित किया तो यह पीटी के फैक्ट आप ध्यान में रख लीजिएगा 2021 से यह भी पीटी का फैक्ट है ग्रैप को सी ए क्यू एम द्वारा लागू किया जा रहा है सी ए क्यू एम यानी अभी आपने पढ़ा क्या है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सी ए क्यू एम के द्वारा ग्रैप को लागू किया जा रहा है मैंने हर जगह कहा पीटीपीटी का, का प्रश्न है बट मेंस के लिए भी ग्रैप को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ग्रैप के पहले यानी इसे कौन लागू करता था तो ग्रैप के पहले एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी एनसीआर के लिए वह इसे लागू करती थी लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया है अब ग्रैप को कौन लागू करता सी ए क्यू एम लागू करता है यह पीटी का फैक्ट है याद रखिएगा ठीक है अब इसके बाद न्यू वर्जन ऑफ ग्रेड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का नया वर्जन आया है याद रखिएगा यानी 2022 में ग्रैप का नया वर्जन ग्रैप का जो पुराना संस्करण था उसमें पीएम एम टू पॉइंट फाइव यानी पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव और पीएम टेन की सांद्रता पर ही यह लागू होता था लेकिन वर्ष दो हजार बाईस से अब क्या किया जाएगा यानी जो ए क्यू आई के आधार पर जीआरपी लागू किया जा रहा है तो जो पीएम 2.5 को भी काउंट करेगा पीएम 10 को भी काउंट करेगा लेकिन अन्य प्रदूषकों को भी ध्यान में रखेगा जैसे ओजोन को भी ध्यान में रखेगा सल्फर डाइऑक्साइड को भी ध्यान में रखेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी ध्यान में रखेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको अब इसके बाद आता है ग्रैप को, को कैसे यानी कार्य के रूप में यानी ग्रैप कैसे काम करता है तो आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीए क्यूएम यह फैक्ट है इसलिए इसको पढ़ना ही पढ़ना है इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं सी ए क्यूएम ने ग्रैप के संचालन के लिए एक उप समिति बनाई ये इंपॉर्टेंट है यानी सीए क्यूएम ने ग्रैप के संचालन के लिए एक उप समिति बनाई इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये एक बार पढ़ लीजिएगा इतना डीप जाएगा नहीं फिर भी हमने कर दिया है पीटी के लिए स्वयं पढ़ लीजिएगा इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बता सकूं याद रखिएगा यानी ग्रैप एक उप समिति के द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें ये लोग शामिल होते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ जैसे एक दो प्रश्न बन सकता है जैसे इसमें आईआईटी मद्रास शामिल है तो अब आईआईटी मद्रास ग्रेप को लागू करने में शामिल है इस प्रकार की चीजें कहीं भी पूछी जा सकती हैं तो चलिए बताई देता हूं उप समिति में कौन कौन शामिल होते हैं तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकारी शामिल होते हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव शामिल होते हैं फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी शामिल होता है फिर भारतीय मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक और आई मद्रास के एक वैज्ञानिक इसमें शामिल होते हैं ठीक है ना इसके अलावा जो हेल्थ एडवाइजर होते हैं वो शामिल होते हैं ठीक है ना तो ये सारे लोग शामिल होते हैं याद रखिएगा। और ज, ज, जी को लागू करने के लिए इस उप समिति को बार बार मिलना पड़ता है याद रखिए ठीक है ना और सी क्यू सी ए क्यू एम सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है बस प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ लीजिएगा अब आज का अंतिम एडिटोरियल अब आप लोग खुद सोचिएगा कि मैंने ये बताया था कि मुझे नींद आ गई थी काम करते करते एक पता नहीं कैसे ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं आज जो है वर्कआउट भी नहीं गया और एक शरीर में आलस्य था और उसके बावजूद भी एक भी एडिटोरियल यानी जहां पर थोड़ी सी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संभावना है वो सब रखा गया मैं चाहता तो एक दो एडिटोरियल छोड़ सकता था चूंकि यार समय ज्यादा हो रहा है जल्दी करने के लिए एक दो एडिटोरियल बता देता बाकी कह देता कि नहीं काम के नहीं मैं वैसा नहीं हूं चाहे मुझे एक बच्चा देखे हो चाहे एक हजार बच्चा देखे मेरी ईमानदारी पूरी तरीके से आप सबके प्रति है जिन्होंने मुझमें एक उम्मीद देखी है आई क्यू आई पी में एक उम्मीद देखी है विशेषकर रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं मैं उनको ज़्यादा फोकस करता हूँ सबको करता हूँ लेकिन उनको ज़्यादा फोकस करता हूँ चूंकि उनके पास जो है बेहतर सुविधाएं नहीं है तो आप देख सकते हैं मैं चाहता तो एडिटोरियल सीमित रख सकता था ना तीन ही रखता छह सात रखने क्या आवश्यकता थी समय अधिक हो रहा था मुझे पता था बच्चे नाराज भी हो सकते हैं तो मुझे पता है कि बच्चे नाराज हो जाएंगे लेकिन मैं अपने कंटेंट से अपनी प्रेजेंटेशन से अपने बच्चों को मना लूंगा होता है ना नाराजगी तो चलती रहती है तो कहने का मेरा मतलब है कि मैंने भले बज गया लेक्चर स्टार्ट करने में लेकिन एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा छोटी छोटी बातें अब मान लीजिए ग्रैफ पे कोई क्वेश्चन आ जाए और मैं छोड़ दूं फिर क्या होगा ठीक है तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से अब खूब चर्चा चल रही थी किस चीज पर मुफ्त यानी किस पर फ्रीबीज पर अब फ्री बीज पर इलेक्शन ने एक, एक एक्शन उठा लिया है जिसको मिस्टर मनोज झा जी हैं अच्छा बोलते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के हैं लेकिन अच्छा पढ़े लिखे आदमी हैं तो इन्होंने जो कहा है मुफ्त उपहारों और चुनावी वादों पर चुनाव आयोग का प्रस्ताव संस्थागत अतिरिक्त पर सवाल उठाता है इसका मतलब है कि जो फ्रीबीज है और इलेक्शन के प्रॉमिस है यानी कि अगर मैं मान लीजिए एक राजनीतिक दल चला रहा हूं तो मैं अपना राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो जारी करूंगा और कह दूंगा कि अगर मैं जीत के आया तो 300 यूनिट बिजली फ्री ये फ्री वो फ्री वो फ्री इसको बोलते हैं फ्रीबीज और चुनावी वादे भी जीत गया तो पांच लाख रोजगार दूंगा ये तो यानी मुफ्त उपहारों और चुनावी वादों पर चुनाव आयोग का प्रस्ताव इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने कोई प्रस्ताव ला दिया है तो आपको जानना चाहिए क्योंकि यह इलेक्शन रिफॉर्म का एक पार्ट है और इलेक्शन रिफॉर्म पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है तो मुफ्त उपहारों चुनावी वादों पर चुनाव आयोग का प्रस्ताव आया है लेकिन यह महोदय कह रहे हैं कि यह जो प्रस्ताव आया है यह क्या है यह क्या है इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच है इसका मतलब क्या है संस्थागत अतिरिक्त है शब्दों का अर्थ समझिएगा इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच संस्थागत अतिरिक्त का मतलब है कि एक संस्था ने डिसीजन लिया है जो उसकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता यानी अगर मेरी शक्ति नहीं है तब भी मैं कोई डिसीजन लू उसको बोला जाएगा कि मैंने अपनी शक्ति के बाहर जाकर के काम किया है और अगर मैं व्यक्ति हूं तो व्यक्ति के रूप में कहा जाएगा कि यानी व्यक्तिगत स्तर पर मैंने अपने दायरे से बाहर जाकर के काम किया यानी इंडिविजुअल रीच। लेकिन अगर मैं कोई संस्था हूं तो क्या कहा जाएगा इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो आइए देखते हैं कि डिसीजन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और क्या इस पर यूपीएससी का कोई प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट नहीं भी बन सकता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में यूज करेंगे फ्रीबीज वगैरह पर अगर कोई भी प्रश्न आ गया तो ठीक है ना तो जीएसटू पॉलिटी यानी विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां कार्य और उत्तरदायित तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद तीन से तीन आप सब आप सबको तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक में बताया गया था तो ऑबियस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो क्या बात ऐसी कह दी जो मनोज जी को बड़ी तकलीफ हो गई तो क्या हो गई चार अक्टूबर को ऑन अक्टूबर फोर भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों द्वारा यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं घोषणा पत्र यानी जो मेनिफेस्टो अपना जारी करती हैं राजनीतिक घोषणा पत्र में जो वो वादे करती हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये का मतलब इतना बिजली इतना पानी इतना ठीक है ना जो भी वो वादे करती हैं उसके वित्तीय निहितार्थ याद रखिएगा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के अनिवार्य प्रकृतिकरण का प्रस्ताव रख दिया गया है याद रखिए बड़ा मजेदार है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश में हिंदी में वित्तीय यानी इसको सामान्य भाषा में कहें कि तुम जो वादे कर रहे हो उसको कैसे निभाओगे आर्थिक रूप से और से तुम जो वादे कर रहे हो उसको आर्थिक रूप से कैसे पूरा करोगे क्या मॉडल है तुम्हारे पास उस मॉडल को भी बताओ समझ गए यानी आप केवल धाए धाए धाएं वादे नहीं करोगे अगर तुम 200 यूनिट बिजली कर रहे हो या किसानों को किसानों की कर्ज माफी कर रहे हो तो तुम किसानों की कर्ज माफी करोगे तो उसके लिए बजट कहां से आएगा यह तुम्हें बताना पड़ेगा यही है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्तमान डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके पावर पर कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये एग्जाम्पल के रूप में आएगा ना पावर के रूप में कि तो भाई इलेक्शन कमीशन इंडिया की पावर थी उसने उसका इस्तेमाल करते हुए ये काम किया तो ये न्यूज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है रीजन बिहाइंड दिस प्रपोजल यानी है प्रस्ताव लाने के पीछे रीजन क्या था मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि राजनीतिक दल जो भी घोषणाएं करते हैं अपने मैनिफेस्टो में तो अब यानी उस पर एक विचार विमर्श हो सके इसलिए उनका यह डिसीजन महत्वपूर्ण है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वयं कहा है कि उसने यह डिसीजन क्यों लिया है तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह आवश्यक है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना अभी हमने पढ़ा भारत के निर्वाचन आयोग की एक संवैधानिक शक्ति है तो अब वो तो ये कह रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक है लेकिन यहां मुद्दा उभर करके आ गया जिस पर यानी मनोज झाजी और भी लोग विरोध कर रहे हैं यह आयोग द्वारा अपनी शक्ति के अतिरिक्त को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है, यानी कि इस प्रकार के राजनीतिक मेनु, राजनीतिक दलों द्वारा जारी मैनिफेस्टो को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके वित्तीय निहितार्थ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन पर जोर देता है तो यह उसकी शक्ति नहीं है यानी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसकी शक्ति नहीं लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है उसकी शक्ति है तो जो लोग कह रहे हैं उसकी शक्ति नहीं आखिर उनके भी तो कुछ तर्क होंगे हमको और आपको क्या हमें आप हमको और आपको तो सीखना है तो आइए देखते हैं याद रखेगा ठीक है ना विरोध कर रहे हैं राइटर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि इस कदम पर क्वेश्चन इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी संस्कृति का जिक्र किया था कि चुनाव के पहले राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति यानी की संस्कृति उन्होंने रेवड़ी संस्कृति का तो उनके कहने के कुछ दिन के बाद ही इस प्रकार की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होना तो लोग इसको संदेह की निगाह से देख रहे हैं तो पहली तो यह बात है फिर इसके बाद अब देखिएगा एक केस का जिक्र किया गया एस सुब्रमण्यम कौन सा केस है जरा इसको इसको ध्यान से रख लीजिएगा एस बालाजी स्टेट ऑफ तमिलनाडु दो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कहा कि प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस के प्रावधान याद रखें किसके प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के प्रावधान राजनीतिक दलों की अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाते यानी यह जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है या राजनीतिक दलों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह कोई भी राजनीतिक घोषणा कर दें यानी फ्री बीज वगैरह वो जो भी घोषित करना चाहते हैं लैपटॉप देंगे ये देंगे बिजली पानी मुफ्त कर देंगे वो ऐसा कर सकते हैं याद रखिएगा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा और इसी का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी शक्ति से बाहर जाकर के काम किया है तो अब आप इसको पढ़े रहिएगा जैसा भी प्रश्न आएगा वैसे ही हम इसको डील करेंगे याद रखिएगा और कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र होता है इलेक्शन के पहले वह उसकी नीति का एक दस्तावेज होता है और इसे लागू करने का सवाल तभी पैदा होगा जब वह सरकार बनाए बेचारा सरकार नहीं बनाएगा तो फिर उसको लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है इसलिए इसलिए राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्र में कुछ भी घोषणाएं कर सकते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसी का आधार लेकर के यानी यहां पर यह प्रश्न उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों यह एक अच्छी पर बातचीत खूब हो रही है सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपना एक डिसीजन रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट का केस भी सब पड़े रहिए जैसा प्रश्न आएगा उसी हिसाब से हम डील कर लेंगे और अगर डायरेक्ट नहीं भी आता है यार भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा तो कितना अच्छा है कि यानी भारतीय लोकतंत्र में हमेशा एक खुली बहस का अवसर मौजूद रहता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया, उनका और विपक्षी दल आरोप लगा रहे तो ये क्या है यानी भारतीय लोकतंत्र में खुली बहस हमेशा से मौजूद रही है इसलिए भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है यानी सकारात्मक रूप से आगे जा रहा है कैसा लगा मजा आया तो फाउंडेशन कोर्स भी 2024-25 चौबीस दस अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जी एफ थ्री इकोनॉमिक्स सेगमेंट मेन्स से स्टार्ट कर रहा हूं आप जुड़ जाइएगा और हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय सर्वाधिक रिजल्ट यहीं से है आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यूपीएससी वाली चर्चा यूट्यूब चैनल कल हम लोग कैसे अच्छा ए से लिखा जाए इस विषय पर फ्री हैंड क्लास में मेरे सामने आप सब होंगे और पीडीएफ के लिए एट द रेट आई एस इनोवेशन गुरु इस्ट टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं सात अक्टूबर दो प्रीलिम्स की क्या क्या न्यूज है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने कह दिया है कि वित्तीय वर्ष दो में भारत की जीडीपी डी साढ़े छह परसेंट ग्रोथ रेट दर्ज करेगी लीजिए आइए 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 जरा देखिए साढ़े छसेंट बापरे परसेंट बाप। कर दिया है ये बहुत तो अब इस पर कल एडिटोरियल आएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको आप पढ़ लीजिएगा इसके अलावा श्रीलंका में मानवाधिकारों के उत्पीड़न के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग हो रही थी लेकिन भारत वहां से अनुपस्थित रहा और इसके माध्यम से श्रीलंका के प्रति अपनी एक यानी जो संबंधों में मजबूती उसको प्रदर्शित किया अब वोटिंग किस बात पर हो रही थी वो ध्यान रखेगा यानी बहस किस बात पे हो रही थी कि वहां पर जो सरकारी उथल पुथल हुआ है जो आपातकाल की कंडीशन आई इसके कारण बहुत से मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो भारत ने इस बहस में हिस्सा ही नहीं लिया तो बस यह ध्यान रखिएगा इसके अलावा बुरकिना न्यू जुंटा चीफ इज वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर अब आप यहां से देख लीजिए चो, साल के मिस्टर इब्राहिम तरोरे, क्या नाम है इनका अब आप देखिए बुर्कीना फासो के ये अब इस समय यानी पलट करने वाले तो इनकी पर्सनालिटी चौंतीस साल की है बस इतना ही महत्वपूर्ण है बाकी हमारे लिए कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है मिलते हैं कल सुबह ग्यारह बजे एसे की क्लास में यूपीएससी वाली चर्चा में तब तक के लिए जय हिंद लेट्स क्रैक गॉड ब्लेस बीमैन आज काफी विलंब हो गया मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा लेकिन सो गया अब तो क्या करूं मतलब ऐसा सो रहा था कि क्या बोलू मैं आप ठीक है बच्चा तो कल मिलते हैं सुबह ग्यारह बजे और फिर शाम को छह बजे हिंदू में हिंदू में कोशिश ये करिए कि ज्यादा ज्यादा से लाइव ही रहिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन का मजा लीजिए आप लोग समझ नहीं रहे ये हिंदू आपकी लाइफ को कितना बड़ा कर आपने ऑप्शनल इथिक्स और ऐसे अपनी जेब में रख ली और केवल प्रिलिम्स पास कर लिया और प्रिलिम्स पास करने के लिए सबको कह रहा हूं कि यूपीएससी वाली चर्चा को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि अभी स्ट्रेटजी पर बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा बच्चों की रुचि थोड़ी बहुत कम है लेकिन कंटेंट स्टार्ट होगा तो जबरदस्त स्टार्ट होगा मजा ही आ जाएगा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच